गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। धन्यवाद कि आज आप कलात्मक सफ़रनामा के मंच पर एपिसोड 25 में जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका। संजीव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप मंच पे आएँ। जो हमारे कलात्मक सफ़रनामा के मंच के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं काइंडली वो शेयर करें एक बार प्लीज़। उसके बाद हम आगे का संचालन करते हैं। तो आज के जो टॉपिक है बहुत ही उम्दा होने वाली है। आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को म्यूट करके रखिएगा और आपकी जो भी सजेशंस होगी, क्वेरीज होगी, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन भी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और लास्ट में अगर आप टाइप करने में आपको किसी को भी दिक्कत है तो लास्ट में डेफिनेटली आपको मौका दिया जाएगा। तो एक आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप इस स्क्रीन की वीडियोग्राफी ना करें बिकॉज ये हमारा कॉपीराइट है। थैंक यू सो मच। मैं गुरदीप जी से बोलता हूँ कि आगे का संचालन करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मिलिंद सर हमारे बीच में हैं। मिलिंद सर, मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से एवं जो हमारी जो पूरी ऑडियंस है, हमारे जो जितने दर्शक हैं उनकी तरफ से आपका इस कलात्मक सफरनामा के मंच पर स्वागत करता हूं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड दोस्तों, मैं आपको जैसे हमेशा हमारे प्लेटफॉर्म पे ये बताया जाता है कि हमारे जो बिहाइंड द सीन जो हमारी टीम काम करती है, कलात्मक सफरनामा मंच की जो टीम है, मैं आप सबके समक्ष उनका नाम लेना चाहूंगा। सर हमारे बीच में सबसे पहले चरणजीत सिंह नेहतो स्कल्प्टर हैं, बठिंडा से हैं। संजीव कुमार जी फोटो आर्टिस्ट हैं, चंडीगढ़ से हैं। सिंधु जी हैं, स्कल्प्टर हैं, हरियाणा से। रितु सिंह राइटर हैं एंड पेंटर हैं, वो भी चंडीगढ़ से हैं सर। एंड नीरज पांकती जी जो कि एंकर हैं, फोटोग्राफर हैं, एक्टर हैं और उत्तराखंड से उनका संपर्क है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो नीरज जी, मैं सबसे पहले इस सेशन के बारे में आपको एक चीज और बता दूं। हमारे बीच में मिनी बेंजी हैं जो कि पंचकूला से हैं। तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा इन्होंने किया है स्पेशली सेशन के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एनी टाइम। थैंक यू मैम। थैंक यू, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना शायद ये जो मंच आज का जो सजा है, जो ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, शायद ये ना होता। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू से दैट। इसके साथ ही सिमरत लूथरा जी जो हमारे चंडीगढ़ के आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने भी बहुत फूले अपना योगदान दिया है। सिकंदर जी हैं, नक्षदीप जी हैं, संजय देसाई जी हैं, कंकन दास जी हैं, गुलशन आचार्य जी हैं। इन सभी की एक हमें सपोर्ट रही है इस सेशन को कामयाब बनाने के लिए। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कलात्मक सफरनामा के मंच से। एंड सिमरत मैम, मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप एक बार मंच पे आए, क्योंकि आपका बहुत पुराना एक एसोसिएशन रहा है सर के साथ, मिलिंद सर के साथ, तो मैं चाहूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप हम सबके साथ शेयर करें. सिमरत मैम प्लीज. हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते सर. मेरे लिए मिस के बारे में कुछ भी कहना बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है. और मैं 2006 या 2007 में पुणे में थी, तो मैंने सर की वर्कशॉप अटेंड की. तो सर ने एक ऑयल कलर का शो था वो भी इनॉग्रेट किया था. तो हम सब लोग जो वहाँ पे जो थे, हम सर की पर्सनालिटी से ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि वो परमानेंट सीमेंटेड हो जाती है कुछ बातें दिमाग में, ऐसा था. और वाटर कलर में मेरा पैशन मिलिंद मलिक सर की वर्कशॉप से ही हुआ था. तो मैं उनके बारे में जो सबसे ब्रीफ में कहना चाह रही हूँ, एक तो ही इज अ पर्सन हु इज आर्म्ड विद सो मेनी अचीवमेंट्स एंड ही इज प्रीटी इंटेलिजेंट मैन, वंडरफुल आर्टिस्ट, वेरी वेरी हम्बल पर्सन एंड एनलाइटन पर्सन. एंड ही बिलीव्स in sharing his skills and knowledge of arts with his students, जो कि आजकल के ज़माने में थोड़ा कम रहता है. और सर का मैंने देखा है कि वो अपनी छोटी छोटी जो स्किल्स हैं वो सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं. और जो भी इनकी वर्कशॉप में आता है, उस वर्कशॉप में आने के बाद वो इनकी आर्ट फैमिली के साथ इतना अटैच्ड हो जाता है जो सारी जिंदगी के लिए उसके साथ जुड़ा रहता है. और उस आर्ट फैमिली के साथ जुड़ने से हम लोग प्राइड भी फील करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे किसी भी एज के लोग हों. बहुत प्राइड फील होता है हमें सर की आर्ट फैमिली के साथ जुड़ने में. और दोबारा बीच में लोग फिर आ जाते हैं कोई वर्कशॉप अटेंड करने के लिए. एंड मुझे बहुत फख्र है, बहुत प्राइड है सर के आर्ट फैमिली के साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम. एंड मिनी मैम, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि सर के टॉप से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना भी जो आपका एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ काइंडली वो आप हम सबके साथ शेयर करें. मिनी मैम प्लीज. थैंक यू गुरदीप जी फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक अबाउट सर. आई डोंट थिंक सर नीड्स एन इंट्रोडक्शन. बेसिकली ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. सो मैं तो सिर्फ वैसे भी अपना एक्सपीरियंस ही इनके साथ जो रहा है, आई विल टॉक अबाउट दैट ओनली. व्हेन आई स्टार्टेड पेंटिंग वाटर कलर्स लर्निंग फ्यू इयर्स बैक, तब मैं इनको नहीं मिली थी, मैं इनको जानती भी नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था मैं इनको कभी मिलना है. सो एज एनी अदर एस्पायरिंग आर्टिस्ट इन इंडिया, मैंने इनकी बुक्स खरीदी, वो देखी. सो आई थिंक सीइंग हिम बुक्स, थोड़ी क्यूरियोसिटी सबको आती है. सो आई ऑल्सो यूज टू वंडर. एक तो मुझे ये लगता था कि ये जो आम मंडेन सीनरीज हैं, हाउ डज ही मैनेज दोस, हाउ डज ही थिंक अबाउट पेंटिंग दोस, वो मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रही है. शायद हम लोग एज अ नॉन आर्टिस्ट पर्सन, व्हेन वी विजिट अ स्मॉल टाउन and when we go to a village, shayad I could never imagine those sceneries as creating good artwork. But after meeting sir, now I think I have changed my mental set a lot. Now I know how he goes about it, and I think I also started liking all that. Baki as a human being, he's a very very good soul. It's been so nice to connect with him. He's a very humble person. इनसे बात करके I think कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगा कि we are talking to a famous person. वो one to one बहुत अच्छी बात करते हैं, and it leaves an impression on everybody. इनकी aura is very positive. And first time when I met him for 5 minutes, शायद मेरे को इनकी ऑरा ने ही अफेक्ट करा था ज़्यादा. I was so impressed. So in fact मेरे को आज, अभी आप क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे थे और चीजों की बात कर रहे थे, मुझे अपना जो मैंने इनसे पहला क्वेश्चन पूछा था मुझे वो याद आया. I asked him if there is a connection between a positive aura of a person and creating good art. And I asked him if he was a good artist because he had a positive aura, या positive aura होने के कारण ये अच्छे artist हैं. His answer was just a big smile, and I think maybe he can still answer that today. So, बाकी as a teacher, he's been a very, very patient, tolerant human being. किसी को discourage नहीं करते हैं. Everybody enjoys in his classes. सिमरत जी ने जैसे कहा. Last year when COVID started, he started his online classes. So मैं भी उन classes का हिस्सा बनी. I help him a bit with those classes. I think I have really enjoyed my journey with him. And after that, there has been a change in me. I can feel that. So, Baki, I'm so blessed to be associated with him. I would say that. Not only him, I liked meeting his family also, his sons. Inki wife hai Kirti. She is a renowned writer of Marathi literature. She's a wonderful person too. So thank you, Milind sir, for being what you are. और एक दिन अगर मैं what you paint, if I can paint even 1% of that, I'll call myself a good artist. That's all. Excellent. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. And sir, हमारे बीच में हमारे अपने सिटी के चंडीगढ़ के नक्शदीप जी हमारे बीच में हैं. सर वो भी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी उन्होंने आपसे सीखा है, वो हम सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे. एक मिनट जरा सीनियर एक आपके सिटी के रविंद्र शर्मा जी है. हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी सर, वो भी शरीफ है, सिकंदर है जी. शर्मा जी को नमस्कार. बस थैंक यू सर, थैंक यू. हाँ जी, नक्षदीप जी काइंडली आप मंच पे आए सो दैट हम चाहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस सर के साथ रहा है वो आप शेयर करें हम सबके साथ. जी नक्षदीप जी, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग सर, मिलिंद सर, हाउ आर यू? I'm good. बहुत अच्छा लगा सर इतने दिनों के बाद आपसे मिलके, सभी से मिलके. तो क्या ही बोलूं, मेरी मैम ने सब कुछ बोल दिया अभी इसके बारे में. लाइक वही चीजें हैं कि लाइक ही इज इंस्पिरेशन एंड इंस्टीट्यूट एंड इतना अच्छा लगता है. आई डू रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज इन स्कूल तो माय स्कूल टीचर ही इंट्रोड्यूस्ड हिज बुक टू मी. I was like in 8th or 9th क्लास में होऊंगा तभी से मतलब एक मेरी अट्रैक्शन जो वाटर कलर की तरफ हुई, ही इज द मेन रीजन बिहाइंड इट. तो उसके बाद आई डू रिमेम्बर कि माई टीचर यूज टू से मी इन पंजाबी दैट इन्ना कोल चला जा तेन पेंसिल दे तिखा कर देंगे. इट मीन्स दैट he used to tell me that if you go to him that वो आपको पेंसिल की तरह पूरा तीखा कर देंगे. लाइक तुम्हारा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा उस वक्त. तो अभी तभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि लाइक अगर मुझे पता होता व्हाट ही मेंट टू से मैं तभी आपके पास आता कोचिंग के लिए या उस वक्त क्लासेस के लिए. तो सर तब से लेके आज तक, आज भी जब भी आपकी मैं पेंटिंग्स को देखता हूँ, आपके लेक्चर्स को सुनता हूँ सर, ऐसा मतलब वही बात है कि अगर 1% भी हम वैसा बन जाएं तो आई कंसीडर माई सेल्फ अ गुड वाटरकलरिस्ट. जितनी देर में सर हम बोलते हैं आप पेंटिंग कर देते हो. सर यू आर ट्रूली बीइंग इंस्पिरेशन. थैंक यू सर. थैंक यू नक्षदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया नक्षदीप जी. सर अब हम जो आज जो हमारे सेशन है उसका हम आगे का जो संचालन करना चाहेंगे सर. सर हमारे बीच में नीरज पांकती जी हैं. नीरज जी हमारे टीम के मेंबर हैं एंड बहुत बढ़िया एक्टर हैं, फोटोग्राफर हैं और राइटर भी हैं, इवन और एक्टर भी हैं. और मैं नीरज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली आप मंच पे आए तो दैट जो आपने एक राइटअप जो है जो सर की जर्नी से संबंधित है जो आपने तैयार किया वो हम सभी के साथ शेयर करें प्लीज. नीरज, थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर. नमस्कार साथियों और आप सभी का कलात्मक सफरनामा के आज के इस सफर में स्वागत है. और आज हमारा ये सफर अपने 25वें मुकाम पर पहुंच चुका है और आज के इस 25वें एपिसोड में हम आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कलात्मक सफरनामा में आज जो शख्सियत हमसे रूबरू होने जा रही है वो एक लंबे अरसे से कला की सेवा और अपने रंगों के जरिए अपनी अभिव्यक्ति को उकेरने का काम कर रही है और इस माध्यम से एक पहचान उस शख्सियत ने विश्व पटल पर बनाई है। और उनका नाम आप सभी जानते हैं, श्री मिलिंद मुलिक जी। हम उनका इस कलात्मक सफरनामा में एक बार फिर से बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यूं तो सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, पर ये मेरी खुशनसीबी है कि उनका परिचय पढ़ने का मौका मुझे आज मिल रहा है। और तहे दिल से हम इस सेशन में जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज मिलिंद सर को अपने बीच पाकर हम एक फख्र महसूस कर रहे हैं, बहुत गौरवान्वित हम हैं। और आपके व्यक्तित्व और आपके कार्यों पर रोशनी डाले तो हम पाते हैं कि कला में जो आपकी दिलचस्पी है वो बचपन से ही रही है। बहुत ही छोटी उम्र से आपने चित्रकारी करना शुरू कर दिया था, लगभग 5 बरस की आयु से ही। और ये दिलचस्पी क्यों ना हो, इसके पीछे वाजिब कारण है, क्योंकि ये कला आपको विरासत में एक धरोहर के रूप में भी मिली है। क्योंकि आपके पिता श्री प्रताप मुलिक जी, जो पिछली सदी के महान इलस्ट्रेटर और पेंटर रह चुके हैं, उनके घर से आप आते हैं। और उनके द्वारा रचा गया राज कॉमिक्स का नागराज, हम सभी जानते हैं कि नागराज का जो किरदार है वो हमारे बचपन की स्मृतियों में, हमारे जहन में आज भी ताज़ा है, जिंदा है। बहरहाल मिलिंद मुलिक जी ने बचपन से ही कला को अपना साथी बनाया और महज 13 साल की उम्र में आपने वाटर कलर लैंडस्केप बनाना शुरू कर दिया था। और आपकी इस लगन का ही नतीजा था कि जो प्रेस्टीजियस, एक बहुत ही बहुप्रतिष्ठित नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप है, वो आपको प्राप्त हुई, वो आपने अर्जित की, जो कि आगे आर्ट्स की पढ़ाई को जारी रखने के लिए आपको मिली थी। पर उन्नति को कुछ और मंजूर था, आप अचानक इंजीनियरिंग की दुनिया की ओर मुड़ गए। पर एक आर्टिस्ट को हमेशा आपने अपने दिल में जिंदा रखा और अपने हुनर को आप तराशते रहे। तो पिता का सानिध्य आपके पास था ही, और अन्य कई गुरुओं के से आप सीखते रहे। और फिर कला की दुनिया में उन बुलंदियों को आपने छुआ जो कि किसी भी हम जानते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी कलाकार के लिए सपने से कम नहीं है। और कला प्रदर्शनियों की बात करें, एग्जीबिशंस की बात अगर हम करें, तो 50 से ज़्यादा सोलो एग्जीबिशंस आपने किए हैं, 1 मैन शो आपने किए हुए हैं, और इसके अलावा ढेर सारे ग्रुप शोज भी आपने किए हुए हैं। और 15 सालों से आप आर्ट की शिक्षा भी आपने 15 सालों तक दी है, देश विदेश के नामी गिरामी कॉलेजेस, आर्ट कॉलेजेस और डिज़ाइन कॉलेजेस में आपने अपनी वर्कशॉप्स की। और साथ ही स्वीडन, फ्रांस, इटली, स्पेन, रशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस जैसी तमाम जगहों में आपने अपनी वर्कशॉप्स संचालित की और जो वर्कशॉप है वो आपने की। इसके अलावा आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बहुत विश्वास रखते हैं और इसके ज़रिए लोगों को आप अपने साथ जोड़ते हैं। अपनी कला बनाने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, पूरी प्रोसेस आप लोगों के सामने रखते हैं। ये बहुत ही नायाब आपका तरीका है और काफ़ी असरदार तरीका है। और लाइव पेंटिंग के साथ साथ आपका जुड़ाव क्योंकि म्यूज़िक से भी है, तो आपने एक तरह की क्रिएटिविटी, एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया और जो बहुत ही सफल रहा कि आपने लाइव पेंटिंग और लाइव म्यूज़िक कंसर्ट को एक बनाया, खूबसूरत आपने गुलदस्ता बनाया। और उसमें आर्ट तो, पेंटिंग तो थी ही, साथ ही आपने उसमें फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, यहाँ तक कि जैज़ म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक और अनेक तरह के प्रयोग आपने किए। बहुत ही हिट आपका एक्सपेरिमेंट रहा और ये बहुत नायाब तरीका आपका है आर्ट को लेकर आगे बढ़ने का और एक खूबसूरत नज़रिया हम देखते हैं यहाँ पर। और क्योंकि अगर हम बात करें आपके जो आपका मेन आर्ट फॉर्म है जिस पर आपको महारत हासिल है, जिसके आप हम कह सकते हैं खलीफा है, जिसके आप जादूगर हैं, वो है वाटर कलर। और हम सभी जानते हैं कि कितनी मुश्किल, यहाँ पर आर्टिस्ट सभी जुड़े हुए हैं, खैर मैं तो नहीं हूँ लेकिन जितने आर्टिस्ट हमारे साथी हैं वो सभी जानते हैं कि वाटर कलर कितना मुश्किल मीडियम है, कितना मुश्किल ये, कितनी मुश्किल विधा है। और इतना विस्तृत इसमें आपने, इतना विविधतापूर्ण आपने इसमें काम किया है कि वो काबिल तारीफ है, काबिल गौर है। और इस विधा में जो आपने सब्जेक्ट्स की वैरायटी दिखाई है वो शायद ही कहीं देखने को मिलती है इंडिया में। अगर हम देखें, इंडिया की बात करें तो एक्रेलिक पेंट्स में काम करने वाले, इस मीडियम में काम करने वाले बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, ऑयल पेंटिंग करने वाले बहुत सारे साथी हैं, बट जो वाटर कलर की जहाँ पर बात आती है तो कुछ गिने चुने ही नाम वहाँ पर नजर आते हैं, और उन नामों में प्रमुखता से बड़े ही अदब के साथ आपका नाम लिया जाता है। और हाँ, हम ये जानते हैं कि आने वाली कई सदियों तक आपका नाम लिया जाता रहेगा, और ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और इसके अलावा आप कलात्मक सफर के इस एपिसोड में आ जाए हैं तो हमारे जितने आर्टिस्ट साथी हैं, कई नए साथी भी इसमें जुड़े हैं, वो करीब से आपके सफर को देखेंगे, आपके जद्दोजहद को भी देखेंगे, आपके स्ट्रगल को भी देखेंगे, आपके काम करने के तरीके को देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे, और आप कला को किस शिद्दत से अपनाते हैं, किस नजरिए से आप उससे जुड़ते हैं, वो उसके आगे तो ये तो कोई भी पुरस्कार कम है, पर भारत के तमाम प्रतिष्ठित पुरस्कार आपको प्राप्त हैं। और साथ ही यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्रीज हैं उनकी जो वाटर कलर एसोसिएशंस हैं वहाँ के भी ढेर सारे सम्मान आपको प्राप्त हैं। और आर्टिस्ट होने के साथ साथ आप एक ऑथर भी हैं, और 13 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और मैगजीन्स में भी आप ढेर सारे आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, और जर्नल्स में आपके लेख प्रकाशित होते हैं, ये हम जानते हैं। और किताबों की सफलता और ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो आपकी पहली किताब थी, सन 2000 में आई थी, वाटर कलर्स, जो कि इतनी प्रचलित रही, इतनी प्रसिद्ध रही कि उसकी 1 लाख कॉपीज बिकी, और आज उसका जो आप देखें तो 15वां संस्करण आज उसका आने वाला है। और इसी तरह जो आपकी सेकंड बुक है, स्केच बुक, उसका 5वां संस्करण आ चुका है। तो ये बहुत ही एक तरह से इसी बात से हम अंदाजा लगाते हैं किस दर्जे के, किस लेवल के आप आर्टिस्ट हैं, ये एक इंडिकेशन है उस बात का। और परिवार की अगर हम आपके बात करें तो परिवार में आपके पिता तो इतने महान आर्टिस्ट, इतने महान इलस्ट्रेटर, पेंटर रहे ही हैं, और आपकी वाइफ जिनके बारे में बताया जा चुका है कि वो एक मराठी साहित्य की एक बेहतरीन लेखिका है, साहित्य से वो जुड़ी है, लिटरेचर से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा जो आपके सुपुत्र हैं वो भी आर्ट से जुड़े हैं दोनों, तो वो भी एक काबिल गौर बात है। और हमारे आज के सेशन में कई, जैसा मैंने बताया, युवा कलाकार हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपके सफर को आज देखेंगे, आपके काम को आज देखेंगे। और सभी, वैसे सभी जानते हैं आपके काम को, सबने देखा हुआ है, लेकिन आज आपके जरिए उसे देखेंगे। कई लोग आज पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा, इसमें गुरदीप सर का भी हाथ है कि इतने बड़े आर्टिस्ट आज कलात्मक सफरनामा के माध्यम से आज हमारे बीच आए हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, और हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर, और हम लकी अपने आप को मानते हैं कि आज इनका सानिध्य, इनकी छत्रछाया हमें मिल रही है। और हम ये जानते हैं कि आपकी जो यात्रा है कला की, उससे हम आपके नजरिए को भी देखेंगे, और साथ ही हम जीवन में हम आज आपको, अपने आप को हम एक एम्प्टी कैनवस मान के चल रहे हैं, और आपके ब्रश स्ट्रोक्स से, मास्टर स्ट्रोक्स आज हम पर पड़ेंगे, और एक नया रंग हमारे जिंदगी में, हमारे नजरिए में, हमारे सोचने के तरीके में जरूर आएगा। तो दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और अब मैं बड़े अदब के साथ गुरदीप सर को एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। एंड मिलिंद सर, अब मैं चाहूंगा कि आप स्टार्ट आप करें, तो हमारी जो ऑडियंस हमारे बीच में है, तो काइंडली आप अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चनिंग पे शुरू होंगे सर। सर मैं चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस हमारे बीच में है, क्योंकि इसमें कई यंग आर्टिस्ट भी हैं, कोई सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, और आपको बहुत से लोग ऐसे कलाकार हैं जो आपको जानते हैं, बहुत नजदीकी से आपको जानते हैं, तो काइंडली अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई जो होती है हमारी, जो संचालन करेंगे। हाँ नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच गुरदीप। मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीच में इंग्लिश में बोलूंगा कि यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ नक्श, सिकंदर जैसे मेरे दोस्त लोग हैं, नए स्टूडेंट है, और काफी सारे सीनियर लोग भी है, जैसे मैंने अभी नाम लिया था, रविंदर जी है, शर्मा जी है, सिमरित जी है, मिनी, ऑफ कोर्स मिनी जी तो हमेशा रहती है, तो बहुत काफी सारे सीनियर लोग भी है, जूनियर लोग भी है, तो इनके बीच में मुझे बुलाने के लिए I'm very much grateful and thankful to you, Gurdeep. Thank you, sir. And बस मुझे इतना ही कहना है कि आप जो भी क्वेश्चन है मुझे पूछो और आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड शेयर माय जर्नी एज मच एज पॉसिबल. और वैसे तो क्या सभी आर्टिस्ट का जर्नी सेम ही रहता है, वैसा मेरा ही उनके जैसा ही है. खाली मैं नक्श और सिकंदर को सामने रखूं तो मैंने थोड़ा पहले शुरू किया इनके, बस इतना ही है. नहीं सर, फिर भी सर जैसे अगर हम कला के क्षेत्र में जो आपके आने का जो विचार हुआ, मतलब और दूसरा सर क्या होता है कि आप किन कलाकारों की कला, मतलब किन कलाकारों की कला ने आपको स्पेशली कला के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया, तो उस तरह का जो हो वो जरूर जानना चाहेंगे सर. ठीक है, मैं थोड़ा पीछे जाके मेरा जर्नी शेयर करता हूँ. जी जी सर. जी, मेरे पिताजी तो प्रताप मलिक जी का उन्होंने किया है, तो वो पेंटर थे, तो जब ही से मैं पैदा हुआ हूँ मैं उनको देखते आ रहा हूँ. तो ऑब्वियसली ही इज माय फादर एंड ही इज द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन. लेकिन इसके संबंध में एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. मैं 5 या 6 साल का रहूँगा, 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता है. तो अगर किसी बच्चे की आप ये देखेंगे ग्रोथ, तो 1 साल का बच्चा चलने लगता है, 2 साल का बच्चा बोलने लगता है, और 5-6 साल का बच्चा स्कूल में जाके लिखने की शुरुआत करता है. सो ही स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग, ही स्टार्ट्स लर्निंग द लैंग्वेज. उसके बीच में 3 साल का बच्चा जो होता है वो कुछ तो पेन या पेंसिल लेके पेपर पे स्क्रिबल करता रहता है. तो in a natural phenomena every child at the age of 3 is trying to communicate something visually. Okay, जो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छी तरह से हुआ क्योंकि मैं मेरे पिताजी को देखता था. Okay, तो जब भी 6 साल के उम्र में मैं स्कूल में गया, तो स्कूल में तुम्हें सिखाते हैं हाउ टू राइट वर्ड्स. तो मैं मराठी मीडियम में सीखा था, तो मराठी में दिस थिंग कम्स एज क ख ग घ, ABCD कम्स एज क ख ग घ, something like that. So wo, there is a color chart in front of you and then there is a symbol of K and then one has to write that K. Then the teacher says कि इसको K लिखना आ गया. तो वो कलर चार्ट में क्या रहता था, एक K रहता था और उसके बाजू में एक इलस्ट्रेशन रहता था. K से बनता है कमल. तो मुझे लगता था कि ये K भी निकालना है और ये कमल भी निकालना है, तभी मुझे K आ गया. ओके तो ये मुझे नहीं पता था कि बस लेफ्ट वाला ही. तो मैंने क निकाल लिया, कमर निकाल लिया, वो मुझे आ गया उतना. उसके बाद था ख, और ख बीच बाजू में लिखा था और ख के बाजू में इलस्ट्रेशन था, वो खटारे का था. खटारा मतलब ओल्ड बुलक कार्ट और समथिंग. एंड एट दैट एज आई कुडंट ड्रॉ ख. तो मैं रोने शुरू हो गया कि मुझे ख नहीं लिखने को आ रहा है. फिर मेरे माँ ने पूछा कि ये तो लिखा है तुमने ठीक से. मैं बोला कि ये किधर लिखा है, ये तो बाजू लेफ्ट वाला बाजू लिखा है, मैंने राइट वाला नहीं लिखा है. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट इन माय माइंड. सो एनीवे दैट बस शेयर करना कि इतना क्या माना. द रीजन फॉर शेयरिंग इज ओनली दैट विजुअल कम्युनिकेशन वाज वेरी नेचुरल टू मी. तो ऐसे में सीखते गया. और जैसे मैंने बोला 13 साल में मैंने वाटर कलर लैंडस्केप जो शुरू किया, तो मेरे पिताजी ने काफी सारे उस जमाने में मैगजीन्स और बुक इकट्ठे किए थे. तो उनका पेंटिंग तो मैं देखता ही था, उनके कॉमिक बुक्स के इलस्ट्रेशन की कॉपी करता था, ये वो करता था. लेकिन वो मैगजीन में मैंने पहली बार, मतलब मेरे फादर भी वाटर कलर करते थे, उनके साथ भी मैं करता था. वो पहली बार कुछ ब्रिटिश आर्टिस्ट का काम देखा, वो इतना अच्छा लगा. तो तब से जो वाटर कलर का क्या बोलते हैं, वो कीड़ा घुस गया, वो घुस गया. ओके, उसके बाद ऑब्वियसली मैं थोड़ा इंजीनियरिंग में गया. फिर क्या आप समझ गए क्या हो गया. इंजीनियरिंग में जाके फिर वापस टर्न मार के आर्टिस्ट बन गया. मैं आर्किटेक्चर लाइन में भी काफी काम करता था इंजीनियरिंग होने के बावजूद. तो आर्टिस्ट जब भी बनने की मतलब व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम एन आर्टिस्ट आई dabbled with all mediums. जैसे academics में काम किया, ऑयल, मेरे पिताजी ऑयल करते थे इसलिए ऑयल में भी काफी काम किया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि वो ऑयल में काफी जो समय लगता है, ऑयल करने के बाद वो ब्रश और पैराफर्नलिया इतना ज्यादा होता है कि वो ब्रश धोना, तो तभी तो ब्रश अपने आप धोने पड़ते थे। ओके, एक्रिलिक बहुत जल्दी ड्राई होता है, ऑयल पेस्टल में काफी सारी ताकत लगती है। तो दैट वे फॉर माई फिजिकल कंफर्ट लेवल एंड माई मेंटल कंफर्ट लेवल वाटर कलर मुझे अच्छा लगा कि ये जल्दी होता है एंड जो सोचने की ये होती है, सोचने की जो स्पीड होती है, सबकी अलग अलग स्पीड होती होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बार सोचने चला जाता हूं तो बहुत जल्दी एक्सिलरेट हो जाती है सोच। तो वो एक्सिलरेटेड सोच के लिए वाटर कलर अच्छा पड़ता है, क्योंकि जो सोचा वो कर लिया जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए मैं वाटर कलर की तरफ हर बार, बाकी मीडियम में चला जाता था लेकिन वाटर कलर की तरफ वापस आता था, इसलिए वाटर कलर ज्यादा करते रहा। अभी भी मैं काफी सारे एक्रिलिक करता हूँ, डिजिटल मीडिया ट्राई करता हूँ, सो ऑल मीडियम्स आर इक्वली डियर टू मी, बट फॉर माय टेम्परामेंट अल्टीमेटली वाटर कलर बिकम्स कंफर्टेबल टू मी। हाँ सर, एक चीज और सर, हम सब जानना चाहेंगे सर, जैसे स्टूडियो में जब आप काम करते हैं एंड जो स्टूडियो से बाहर जब आप काम करते हैं, तो आप किस तरह का जो चेंज है वो अपने आप में अपनी कला में देखते हैं सर, ये जरूर आप शेयर करें सर। हाँ, तो उसमें क्या है कि जब हमने वाटर कलर करना शुरू किया, आई डोंट नो, देयर आर 92 अदर पीपल, संजय देसाई यहाँ है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, संजय देसाई वाज माय स्कूल फ्रेंड, और हम दोनों ने आउटडोर लैंडस्केप शुरू किया था जाले। Okay, because that time we used to go on cycle everywhere around and paint. उसी समय में कैमरा था, लेकिन हमारे घर में कैमरा नहीं था। Okay, तो जो भी करते थे वो आउटडोर करते थे। So कैमरा लेके फोटो निकाल के घर में स्टूडियो में कुछ करना या स्केचेस लेके, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं थी। तो पहले 10 साल शायद हमने काफी सारे प्लेन एयर कर लिया, और इतने सारे प्लाइन एयर करने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। फिर कैमरा आ गया, फिर वो कोडाक वाला कैमरा आ गया, फिर कैमरा अफोर्ड होने लगा, फिर जब भी जाते थे तो 36 फोटोज निकाल के घर पे आएंगे। और हमें शुरू में जब भी फोटो निकाल के लाया और ये फोटो देखा, तो फोटो देख के कुछ पेंटिंग करने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो एक्सपीरियंस है वो इसमें नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि वहां जाके काफी सारी ये झेलनी पड़ती है, देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, देयर इज अ टाइम रिस्ट्रिक्शन, सो इफ यू वांट टू पेंट इन अ क्वांटिटी यू हैव टू यूज द फोटोग्राफिक रेफरेंसेस। स्केच करके इतना मेमोरी तो नहीं रहता था, मेमोरी में जो लाना है वो कैमरे से लेके आओ, इंस्पिरेशन जो है वो वहां से स्केच करके लेके आओ। तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड बैक इन द स्टूडियो। सो जब भी स्टूडियो में काम करता हूं तो वी ट्राई टू रिक्रिएट द सेम एक्सपीरियंस वी हैड ऑन द इन द प्लेन एयर। स्टूडियो के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, स्टूडियो में तुम्हारे साथ फोटो है, स्केचेस है, सो यू आर लिटिल डिप्राइव्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन, द विजुअल इंफॉर्मेशन जो प्लेन एयर पे मिलती है वो नहीं है, उससे कम है। बट देन इट विल चैलेंज यू टू यूज यूर क्रिएटिविटी, कुछ कंपोजिशन चेंज करके देखना है। प्लेन एयर पे गया तो यू आर ओवरवेल्ड विद द एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेन एयर एंड यू हैव अ लिमिटेड टाइम, सो यू वांट टू कैच। सो दीज एक्सपेरिमेंट्स कैन हैपन इन स्टूडियो, सो स्टूडियो हैज डिफरेंट एडवांटेज, प्लेन एयर हैज डिफरेंट एडवांटेज। फॉर्चुनेटली हमने काफी सारा प्लेन एयर पहले किया था, तो उससे हमें मालूम पड़ा कि कैमरा क्या नहीं कैच कर सकता है। सी, कैमरा में दो चीज कैमरा नहीं कैच कर सकता इम्पोर्टेंटली, टेक्निकली, कि कैमरा इज लाइक वन सिंगल आई। जैसे मैं एक आंख बंद करके देखो, बस कैमरा को एक आंख से ही दिखता है, मुझे दो आंखों से दिखता है। सो ऑब्वियसली दैट फीलिंग ऑफ टू इमेजेस गेटिंग ओवरलैप्ड, एंड दैट फीलिंग द कैमरा कैन नेवर कैच। जब भी मैं डायरेक्टली दिखता हूँ तो माई विजन ऑफ फोकस इज वेरी लिमिटेड, तो बस लिमिटेड एरिया में मैं फोकस करता हूँ, बाकी का ब्लर दिखता हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है। और तीसरा जो एक्सपोजर रहता है कैमरा का वो एक सेकंड का और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का रहता है, तो कैमरा कैन कैच द कलर आइदर इन द शैडो और इन द सनलाइट। अगर सनलाइट वॉल है, समझो येलो वॉल है, तो हम देखते हैं तो येलो वॉल सनलाइट में भी येलो दिखता है और शैडो में भी वो वॉल का येलो हमें दिखता है। कैमरा से फोटो ले लिया तो अंडर ले लिया तो सनलाइट वाला येलो दिखेगा और शैडो ब्लैक हो जाएगी, शैडो के लिए ओवर ले लिया तो सनलाइट व्हाइट हो जाएगा। तो कैमरा कैन नॉट हैव अ वेरिएबल एक्सपोजर विच आवर आई हैव। तो ये सब चीजें मालूम हो जाती है जब भी तुम काफी सारा प्लेन एयर करते हो और फोटो लेके घर आते हो। सो लुकिंग एट द फोटो देन यू कैन रिक्रिएट द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल लाइफ एंड देन यू कैन यूज इट वेरी इफेक्टिवली बैक इन द स्टूडियो। तो ये दो चीजें हैं। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सर। आपने जो एग्जांपल साथ साथ में दिए सर, वो लेक्चर से हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए आज एक लर्निंग है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से सर सीख के जरूर जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो वार्तालाप है, जो बात है, जिस तरह से आपने एक कला की एक सेंसिटिव जो अप्रोच होती है जो आपने बताया, तो उस अप्रोच से अगर आर्टिस्ट जब काम करता है, चाहे वो जब स्टूडियो में काम करता है, उसकी जो मेच्योरिटी लेवल या अप्रोच जो होती है वो अलग होती है। वो स्टूडियो से बाहर काम करता है तो उसकी जो अप्रोच होती है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। थैंक यू सर। इस तरह के जो अपने जो सुझाव भी आप साथ साथ दे रहे हैं, कई तरह के जो पिन पॉइंट्स आप कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग है सर। एंड सर मैं हम हमारी जो पूरी ऑडियंस है, हमारे जितने दर्शक हैं, वो सब जानते हैं सर कि करीबन आपने 13 के करीब जो आपकी किताबें वो पब्लिश हुई हैं, उसके अलावा इंडिया से बाहर भी आपका जाना हुआ वर्कशॉप्स के कारण, बहुत से स्टूडेंट्स को आप आज टीच कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे इंडिया से बाहर हैं। तो उसके साथ ही कुछ आपके सर यादगार जो आपके पल जुड़े हुए हैं आपकी अपनी निजी जिंदगी के साथ सर, हमने उसका एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, क्या बात है कि आपके साथ वो शेयर किया जाए। सर मैं आपकी परमिशन लेना चाहूंगा सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरूर 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 सर प्लीज एक सेकंड। थैंक यू सर, मुझे मालूम नहीं। थैंक यू सर, मैं एक सेकंड सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। या एक सेकंड। Thank you. I really like the video. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Compilation. So thank you so much for such an effort. Thank you, sir. Thank you. सर इसमें मिनी मैम का बहुत बड़ा योगदान है सर. उन्होंने एवं सिकंदर जी उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सर. थैंक यू सिकंदर. सर जैसे अभी हम एक म्यूजिक भी सुन रहे थे सर. हाँ. आपकी स्लाइड्स के साथ सर. सर जो बचपन से म्यूजिक या संगीत की तरफ जो रुझान रहा. आप गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं सर. संगीत का आप अपने जीवन में कला पर किस तरह का प्रभाव देखते हैं? हम चाहेंगे सर वो भी आप अपना जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आप शेयर करें आप हम सभी के साथ. म्यूजिक. हाँ म्यूजिक का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. सी मेरे घर में तो संगीत था. मतलब पिताजी पेंटर थे लेकिन उनको संगीत की ये थी रुचि थी और हमारे घर में पहले से ही फ्रॉम माई ग्रैंडफादर्स टाइम वो रिकॉर्ड प्लेयर रहता था. एक रिकॉर्ड प्लेयर की फनी याद है बता दो. प्लीज सर प्लीज. नहीं जब बहुत छोटे थे तो वो पुराने टाइप का रिकॉर्ड प्लेयर हमारे घर में था. वो जैसे चाबी घुमा के वो रिकॉर्ड घुमाती थी. तो बचपन में हम काफी सारी शरारतें बोलते हैं क्या. हाँ. तो 3 टाइप के रिकॉर्ड आते थे. 33 RPM, 45 RPM, 78 RPM समथिंग. तो 78 आरपीएम वाली रिकॉर्ड 33 पे लगाने की, 33 की 45 पे लगाने की. तो ऐसे हमारी ये चलती थी. वो पुराना रिकॉर्ड प्लेयर था. और एक बार हमने एक्चुअली तो दैट टाइम आई यूज टू डू लॉट ऑफ स्कल्पटिंग इन माय फादर वाज आल्सो यूज टू लाइक इट. तो वो शाडू की मिट्टी घर में होती थी. तो हम बच्चों ने देखा था किधर तो देखा कि वो मटका बनाते हैं और मटका बनाने के लिए एक व्हील घूमना पड़ता है. तो हमने वो रिकॉर्ड प्लेयर पे 78 की रिकॉर्ड रखी बड़ी एलपी और उसपे मिट्टी रख के मटका भी बनाया था. ओके एनीवे दैट्स जस्ट अ जोक जस्ट आई रिमेम्बर्ड. पॉइंट इज कि वी हैड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. रेडियो के अलावा भी काफी सारे थे. सो द कंडीशन इन म्यूजिक वाज वेरी गुड. माय मदर यूज टू प्ले द हारमोनियम एंड सिंग लिटिल बिट. मैं गिटार में कैसे आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफी बार पूछा है लोगों ने. गिटार इज अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट एंड दैट टाइम इन एटलीस्ट इन पुणे इन महाराष्ट्र नोबडी यूज्ड टू प्ले गिटार. लाइक इट वाज ओनली हारमोनियम तबला और इंडियन इंस्ट्रूमेंट. तो माय फादर हैड गॉन टू फ्रांस. वो 1 महीने के लिए फ्रांस चले गए थे और उनके कुछ फ्रेंड हमारे जब भी इंडिया में आते थे तो हमें मिलने आते थे. तो वैसे 3 फ्रेंच लोग आए थे. वो आते समय गिटार लेके आए थे और वो हमारे घर में ही ठहरे हुए थे. तो उन्होंने देख लिया कि मैं ये गिटार पे कुछ तो आई एम ट्राइंग टू प्ले सम म्यूजिक ऑन गिटार. उन्हें अच्छा लगा और वो गिटार छोड़ के गए हमारे घर में. तो घर में नेचुरली गिटार आ गई. फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया. फिर थोड़ी देर काफी सारा मतलब सीख लिया. मुझे एक अच्छा सा फ्रेंड मिला जो म्यूजिकल बैकग्राउंड से था. तो उसकी वजह से उसने मुझे काफी सारा सिखाया. ही इज इन यूएस एंड ही इज अ जैज म्यूजिशियन. ही इज इन बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक. ही इज टीचिंग देयर. तो वो फ्रेंड होने के नाते से मैं म्यूजिक में काफी डीप चला गया. ओके सो दैट वाज माय म्यूजिकल जर्नी. देन आई हैड माय बैंड आल्सो ड्यूरिंग कॉलेज टाइम. आई वाज लॉट ऑफ इनटू म्यूजिक. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू पेंट फिर वो कनेक्शन लगाना शुरू हो जाता है कि जब भी मैं गिटार बजा रहा हूँ म्यूजिक सुन रहा हूँ तो सामने ये आते हैं शेप्स आते हैं मन में. और ये बस मेरा नहीं मैंने जो क्लासिकल म्यूजिशियंस फ्रेंड्स हैं मेरे काफी सारे बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी बात करने में उन्होंने एंडोर्समेंट दी है कि उनके भी सामने जब भी म्यूजिक आता है तो कुछ विजुअल इमेजरी आता है. ओके so there is a definite connection in your brain which is connected to musical notes and the visual elements. So then I thought ki why not explore it. There is a lot of inspiration we can get from music. Aur isse ye experimentation shuru ho gaya. Ye to college se shuru hua. College mein to gimmicks ki wajah se hum ye competition mein hissa lete the. To yahan music chal raha hai yahan painting chal raha hai lekin wo zyada hone lag gaya. फॉर्चुनेटली मेरे कॉलेज में एक आज के जो एक प्रतित यश क्लासिकल सिंगर है विजय कोपलकर जी, आपने नाम सुना होगा, बट ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिग टाइम सिंगर. वो हमारे कॉलेज में थे. One of the tabla player was in my college, so I had a privilege of being with these people. तो म्यूजिक के साथ, क्लासिकल म्यूजिक के साथ, हमारे वेस्टर्न म्यूजिक के साथ मैंने साथ में तभी ही पेंटिंग शुरू किया था. और वो एक्सपीरियंस मुझे सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, प्लेजरेबल, प्लेजर नहीं बोलूँगा मैं, उसके लिए शब्द में ढूंढ रहा हूँ. यूफोरिया शब्द का अगर मैं, यूफोरिक लगता है कि whenever I am listening to the music, there is a live music going on next to me and I am painting. तो एक अलग सी दुनिया में हम चले जाते हैं. तो मुझे उसका क्या, म्यूजिक और पेंटिंग जो कॉम्बिनेशन किया उसका क्या फायदा हुआ, ये मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ. कि अभी in the last 20 years मैं रोज पेंटिंग करता हूँ. सो आइदर क्लासेस रहते हैं, मैं स्टूडियो में कुछ करता हूँ, यहाँ वहाँ करता हूँ. तो पेंटिंग इज लाइक एन एडिक्शन, सो रोज करते ही है. तो रोज करने से क्या होता है, तुम्हारी स्किल लेवल काफ़ी बढ़ जाती है. ओके, नाउ आई कैन ड्रॉ वेरी फास्ट, आई कैन पेंट वेरी फास्ट, आई कैन डू वॉट एवर. लेकिन उसका एक बुरा नतीजा ऐसे होता है कि एक हैबिट सी बन जाती है. ओके, सो यू आर अ विक्टिम ऑफ योर स्किल. अगर मुझे कुछ अलग सा करना है, लेकिन इतना स्किल लेवल बढ़ चुका है, इतना मोटर मेमोरी इधर आ गया है. ओके, सो आई पुट द पेंट्स इन द पैलेट और एक हैबिट सी बन जाती है कि मैं वो पेंट उठा के मेरे सब, मेरे जो, इट्स लाइक प्लेइंग कार्ड, यू आर प्लेइंग योर एसेस. ओके, यू आर अफ्रेड टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन एंड ट्राई समथिंग न्यू इवन इफ यू वांट टू. तो ऐसी जब भी सिचुएशन आ जाती है कि तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन तुम्हारा जो हार्ड वायर थोड़ा सा होता है ब्रेन, और मोटर स्किल भी, मोटर मेमोरी हो जाती है, इससे इतना इजी नहीं होता. तो वेन एवर देर इज अ लाइव म्यूजिक, आई कैन इजीली डाइवर्ट माय कॉन्शियसनेस, नॉट या वेरी कॉन्शियस एफर्ट जो है वो म्यूजिक की तरफ डाइवर्ट करता हूँ और मैं म्यूजिक सुनता हूँ. और यहाँ पेंटिंग ऑटो पायलट मोड पे जाता है कुछ. तो आई एम फॉलोइंग द म्यूजिक एंड द पेंटिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई कैन ब्रेक आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एक्सट्रीमली इजी. ओके, सो म्यूजिक इज एक्चुअली गाइडिंग मी टू पेंट, एंड विच ऑब्वियसली आई एम पेंटिंग विथ माई स्किल लेवल एंड माई आइडियाज एंड माई द शेप्स इन माई हेड, बट द म्यूजिक हैज टोटली गाइडेड मी देयर. तो ये चीज़ मुझे म्यूजिक और पेंटिंग के कॉम्बिनेशन में बड़ी अच्छी लगी. इट्स वेरी इजी टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन एंड टोटली सरेंडर टू द म्यूजिक. वंडरफुल रिजल्ट्स विल हैपन. सो दिस इज लर्निंग. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सर. और आप तो सर, जैसे आपने बताया कि आपने एक बैंड भी तैयार किया था, आप उसके दूसरा उसके साथ साथ जो आपने एक म्यूजिक का जो एक इंस्ट्रूमेंट की कितनी अहमियत होती है. आप अपने आप को कहीं एक जगह जब आप फंसते हैं तो अगर थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं तो आपके अंदर ट्यूनिंग होती है, आप ट्यून करते हैं अपने आप को. तो ये सर एक जो प्रभावी एक जो पार्ट होता है म्यूजिक का, वो हमें ऐसे माहौल में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक निखार आता है आपकी अपनी कला में. बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने ये पार्ट भी हमारे साथ शेयर किया सर. एंड सर आपके बहुत प्रिय मित्र, या मैं दूसरे शब्दों में ये मैं कहूँगा कि जिन्हें आप एक भाई का दर्जा देते हैं, वो भी आपको भाई का दर्जा देते हैं, संजय देसाई जी, जो वाटर कलर्स में आपने कुछ समय पहले उनका नाम भी लिया था सर. सर मैं, उन्होंने एक छोटा सा एक वीडियो हमें भेजा है आपकी जर्नी के बारे में, जो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है, मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा सर. जरूर, थैंक यू. हेलो, my name is Sanjay Desai. Mini has asked me to talk a few words about Milind. Milind and I have been together since our childhood, school days, and he has been a friend, a philosopher, and a younger brother, and partner in crimes of many adventures throughout our journey till date. Now, what can we say about his art? Fantastic artist, has his own unique style, completely different handling of the medium. But I don't know how many of you know his journey. So the thing is that when we started watercolor in late 70s, early 80s, it was a pretty popular medium. But the subjects, especially Pune had a good tradition. Pune, Kolhapur had a good tradition of watercolor and a lot of artists. But the subjects were very limited, you know, those banyan trees and bullock carts and those village roads, wonderful subjects, but those were limited. And then somehow, I can tell you, watercolor was dead, finished. Nobody painted watercolor for decades. And it was Milind, according to me, who revived this art again through his books, through his work, through his classes. And one of the most important things that he did, which we take for granted these days, is that he brought in completely new subjects to the new compositions, new color schemes, which we feel like normal today and we have got used to it. But rickshaws, dogs, bicycles and cars, those cluttered shops, the modern building with modern facades, modern, ultra-modern urban subjects, these were completely absent at one time. And Milind has brought them into this mode, art field, and he is still growing. So you will enjoy talking to him. Very humble character, doesn't talk too much, but has very strong views about everything. And he focuses on his work. Listen to him and enjoy. Thank you. सर इसके साथ ही कंकन दास जी हैं हमारे साथ, हमारे बीच में। उनका भी एक बाइक सर उन्होंने हमें भेजा है, जो उनका भी एक्सपीरियंस जो आपके साथ रहा है, मैं उसे भी सर शेयर करना चाहूंगा सर। नमस्ते एवरीवन और नमस्ते मिलिंद जी। नमस्ते। आई एम कंकन दास फ्रॉम असम, अ वाटरकलर आर्टिस्ट। मिलिंद जी के बारे में बात करना बहुत कम शब्दों में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब उनसे मुझे मौका मिला मिलने का 2018 में शिलोंग में, और वो जो मतलब मोमेंट था ये मेरे लाइफ में मतलब एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के जैसा था। मतलब उनसे मिलने का जो ड्रीम, मतलब मैं जब छोटा था तो तभी से मेरा एक ड्रीम था कि मैं मिलिंद जी से कभी मिलूं, कि उनके बारे में हम लोग पढ़ते थे, इंटरनेट में देखते थे या फिर बुक्स में पढ़ते हैं, और उनका जो बुक्स है वो मतलब एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। मतलब उनके बुक्स पढ़ लिए तो बस हो गया, मतलब वाटर कलर के बारे में सब कुछ जान लिया जैसे, मतलब उनके अंदर इतना नॉलेज है मतलब। और मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, चलते फिरते यूनिवर्सिटी है, कि उनमें इतना नॉलेज है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे ही नहीं लगता है कि मुझे सबको मतलब आर्टिस्ट इंडस्ट्री में सबको प्राउड फील होता होगा कि हम लोगों के बीच में इंडिया में मिलिंद जी जैसे आर्टिस्ट है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग सुनते आते हैं कि हाँ बाहर के देशों में या तो फिर आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों का 10 सब लोगों का सिर्फ एक ही काफी है, और वो हमारे मिलिंद जी है। वो गुरु ऑफ गुरु है, मतलब सबके गुरु है। तो मेरा प्रणाम और मुझे आशीर्वाद कीजिए और सबको ऐसे ही आप इंस्पायर्ड करते रहे। नमस्ते। गुलशन जी, सिंस यू आर हियर इन पर्सन, सो आपका वीडियो की बजाय हम आपसे ही बात करें। Okay, अरे मिलिंद सर, गुलशन जी had recorded a video also for you, but since he is there himself, so that's okay. That's okay. Okay, yes. मिनी मैम। हाँ जी मैम, सर बोलेंगे या मैं प्रेजेंटेशन? आप आप उनका वीडियो ही चला दो, इससे शॉर्ट वन। हेलो हाय, दिस इज गुलशन Acharya from Mumbai. It's really a pleasure and an honor to talk about Milind sir. There are so many things that we can learn from him, but I think one interesting thing which I look up to is the way he approaches a painting. There is always a newness that he brings into the process, a spontaneity, some kind of innovativeness that he brings into the process, which makes watching him every time like a new, fresh experience. Okay, I think that is one interesting thing which really makes his demonstrations and his process very different and unique from the other master painters. The other thing which I would again want to stress upon is that we always keep listening to this that don't worry about the outcome, enjoy the process. I think when you look at Milind sir, that is one thing that would again stand out. Okay? And that is why his approaches or his painting process is always. Or is always looking different from the last time that we would have seen. So he always ensures that he enjoys the process more, and the painting is just an outcome, okay? An outcome of the entire process. It's really a pleasure to talk about him, and yeah, there are many technical things that we can talk of, but I think when you watch him, when you look at his journey so far. This could be an interesting aspect. The second aspect which I would want to talk about is certainly the way he has adopted the change. Okay, so he has adapted as well as adopted the change through so many years. Okay, so his paintings have evolved, and more than that, I would say as an artist he has evolved, and he is happy with that evolution. Okay, so he doesn't want to hold on to the things. Which would have worked for him, but he's ready to shed off those interesting things or those successful mantras and take up and wear something new, take up a new thing in your process and just keep evolving. That is again another thing which I personally like him for. Okay, so and all this, what does this do is and when you see somebody doing like that, you certainly inspire thousands and millions of people across the globe, because that is something that everyone wants to do, but they're not sure of it. So I think Milind sir is an interesting and a fantastic example to look up to and learn from. I wish him all the best, and I wish him that he continues with the same rigor, with the same intensity, with the same kind of zeal that he has been showing across, and looking forward to many long years of inspiration for me and many watercolor artists or any artist around the world. Thank you very much. Yeah, wish him all the best. Thank you. Thank you, sir. Oh, that was overwhelming. Both of them. Yeah. सर ये छोटी सी कोशिश है सर हमारी, और सर यहाँ मैं हमारे पूरे जो दर्शक हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगा, मिलिंद सर जी को चाहने वाले, उनकी कला को एक मुकाम पर जो जिस मुकाम पर आज उनकी कला है, या जिस मुकाम पर आज हम मिलिंद सर को देखते हैं, उनके चाहने वालों की एक पूरी लिस्ट है हमारे पास। बहुत से लोग सर हमारे बीच में बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को भी मैं पर्सनली मैं कहना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा कि सबको इस मंच पर एक साथ नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक छोटी सी कोशिश थी। मिनी मैम ने बहुत उम्दा काम किया इसके लिए स्पेशली, तो लेकिन चलिए सर, जैसे आपने नक्श जी का नाम लिया, सिकंदर जी का नाम लिया, हमारे अपनी सिटी से हैं, तो एंड में हम जरूर चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो इनका भी आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है। सर मैं चाहूँगा कि जो हमारा सर हमने एक जो आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन रखा है आपके वर्क्स का, तो वो हम दिखाना चाहेंगे, उसके साथ साथ हम बातचीत भी करेंगे। तो देन थोड़ा जो और भी है काफ़ी जो बारीकियां हैं स्पेशली वाटर कलर्स को लेके, तो उसके बारे में भी सर हम जरूर चर्चा करेंगे। जी सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मिलिंद सर, जैसा कि आज का हमारा विषय भी है, हमारा टॉपिक भी है हमारे सेशन का, जर्नी सो फार। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो जर्नी है उससे भी संबंधित आप जरूर बात करें। किस तरह के आपको माहौल से निकलना पड़ा, किस तरह के संघर्ष आपको देखने पड़े, पहले आप हम सबके साथ शेयर करें सर। ओके अभी बात करूं मैं? हाँ प्लीज। नहीं, जर्नी सो फार अभी वाटर कलर के बारे में अगर बोलना है तो जैसे संजय ने अभी बता दिया कि 70s 80s वाटर कलर वाज वेरी पॉपुलर एंड देन सडनली इट बिकेम डेड बिकॉज इट वाज स्टैग्नेटेड। लेकिन we kept on doing what we like to do and फिर suddenly मेरा जो पहले बुक आया 2000 में बुक आया, तो उसके पहले तो काफी लोग बात करते थे कि by 2000 watercolor will be extinct medium, okay, but I kept on working with watercolor. Fortunately I found a publisher who believed in me. तो मेरे पब्लिशर को मैं बोला कि मैं काफी सारे बुक से सीखा हूँ जो फॉरेन से आई है, ओके, फॉर्चुनेटली आई हैड द प्रिविलेज टू गेट दोज बुक्स। अगर यहाँ किसी को सीखना है तो कोई बुक नहीं है आज तक इंडिया में, तो हम बुक कर सकते हैं। एंड ही बिलीव्ड इन मी एंड देन वी कन्वर्टेड वाटर कलर बुक विथ ऑल द इंडियन सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट तो मेरे काफी चेंज होते गए। आई यूज टू वर्क फॉर इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंटैक, जो हेरिटेज में प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उनके लिए मैं स्केचेस करता था। तो ऐसे 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 काम करते करते मेरे सब्जेक्ट काफी नए चेंज हो गए कि जो सब्जेक्ट हम आज देखते हैं जो पहले नहीं था। तो फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दोस सब्जेक्ट द बुक बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन फिर सभी वर्ल्ड में ऐसे हो गया कि वाटर कलर सडनली बाउंस्ड बैक एंड बिकेम very very popular. And that was the luck of me and my publisher that we launched our book on the exact time when watercolor had bounced back in people's mind everywhere. और वो बड़ा मजा आ गया। So that was my journey with watercolor. फिर वो चलता रहा। अभी याद और कुछ पूछना है गुरदीप? इसके साथ ही सर एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो सभी हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपके पिताजी प्रताप मुलिक जी भारत के जाने माने इलस्ट्रेटर एवं कॉमिक आर्टिस्ट थे, जिन्हें इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री का गॉड फादर भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार आपके पिताजी ने भारत में अपना नाम बनाया, मुकाम हासिल किया, क्या कभी आपको लगा कि सर आपका दायित्व और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ज्यादा बढ़ गई हैं? क्योंकि आपके ऊपर सर कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है जब आपके फादर या मदर, मतलब जो हमारे इंसेस्टर्स होते हैं, जब उनका एक नाम होता है, एक मुकाम वो बनाते हैं, तो आपके ऊपर भी एक दायित्व आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मैंने उस मुकाम को बनाए रखना है। तो उस वो एक प्रेशर, क्या आपको कभी ऐसा आपको लगा कि मैं किसी प्रेशर से भी गुजरना पड़ा? तो ऐसा भी मैं चाहूंगा सर, वो भी somehow मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं प्रेशर से गुजरने की बात, क्योंकि माय फादर हैड क्रिएटेड अ नेम इन कॉमिक बुक्स। तो मैं भी थोड़ा कॉमिक बुक्स में काम करता था तभी उनके साथ। और बचपन से मेरा काम वैसे अच्छा था, सो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द व्यूअर्स। तो एक्चुअली ये बात सब काफी लोगों ने मुझे पूछी है कि, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं लगा कि व्हाट ही हैज अचीव्ड आई हैव टू गो देयर और आई हैव टू गो बियॉन्ड दैट और ऐसे। इट वाज वेरी नेचुरल टू मी दैट आई लाइक वाटर कलर, आई केप्ट ऑन डूइंग वाटर कलर विदाउट एनी प्रेशर ऑफ जो आप बोल रहे हैं वो प्रेशर नहीं आया मुझे। क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं, नहीं आया। सर एक चीज और सर, मैंने कहीं आप ही ने वो आपका कोट है सर, मतलब जिसमें आपका ही कथन है वो, उसमें आपने ये कहा कि वाटर कलर में एक चुंबकीय आकर्षण है। तो उसको आकर्षण है सर, उसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली वाटर कलर्स की बात करें अगर सर? हाँ नहीं, वाटर कलर्स में क्या होता है कि पेपर इज व्हाइट एंड द पेंट इज स्लाइटली ट्रांसपेरेंट जी। There is a light bouncing on the paper and coming through the paint which is on the paper. तो उससे काफी सारा ये आ जाता है, वाटर कलर को क्या बोलता है, वाइब्रेंसी आ जाती है। ओके So that vibrancy combined with a little darkness is a very natural feeling. एक मिनट स्लाइड शो जरा रुका के रखो। जी सर। हाँ, तो सोचो कि एक ब्लू स्काई मुझे पेंट करना है, तो वाटर कलर में वो कोबाल्ट ब्लू, अल्ट्रामरीन ब्लू ले लिया, काफी सारा पानी डाल दिया और एक वॉश लगा दिया पेपर के ऊपर, और वो इमीडिएटली स्काई के जैसे दिखना शुरू हो जाता है। नीचे कुछ हिल्स वगैरह निकाला तो वो स्काई हो गया। ऑयल पेंट में तुम वो ब्लू ले लो और लगा लो, वो दीवार लगेगी एक्रिलिक में, क्योंकि दैट ओपेसिटी इज देयर। वाटर कलर में क्या होता है, देयर आर एक्चुअली इवन द लेयर इज ऑन पेपर, योर आई परसीव्स दैट देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट परसेप्शन ऑफ ट्रांसपेरेंसी उसको डेप्थ क्रिएट हो जाती है। इसीलिए वाटर कलर का जो ब्लू वॉश है वो स्काई की तरफ स्काई के जैसा इमीडिएटली दिख जाता है। So that's why painting nature, the painting the natural depth becomes very easy in watercolor. If you obviously, if you handle the watercolor properly. So combining the transparency, translucency, and obviously the black or opaque, very opacity also. So इससे natural depth create अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है मतलब you have to know the technicalities of it. That's why watercolor is so attractive, because it relates closely to our everyday experience. Optical experience जो है हमारा, उससे वो watercolor relate हो जाता है। Excellent. हाँ, बस अब स्लाइड शो में तो ये हमारा पुराना तुलसी बाग है पुणे का। सर अगर आप चाहते हैं मैं स्टार्ट से करूँ जो watercolor जहाँ से। नहीं ठीक है चलते रहो तो मैं हर एक स्लाइड के बारे में एक दो शब्द बोलूंगा। जी सर। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आगे बोलूंगा, नहीं लगेगा तो स्लाइड आगे चला सकता है। जी सर। तो ये जो वाड़ा स्ट्रक्चर है पुणे का, ये हम बचपन से देखते आते थे, लेकिन तभी नॉट मेनी पीपल यूज्ड टू पेंट इट। एक सीनियर आर्टिस्ट हमारे शिवाजी तुपे करके जो नासिक में रहते थे, तो उनके भी पेंटिंग से काफी प्रभावित हुआ मैं। तो उनके पेंटिंग में मैंने ऐसे देखा कि वो भी वाड़ा पेंट कर रहे, लेकिन घर आके मैं बचपन की बात कर रहा, छोटा ही था, वापस मैं हमारे वो बैलगाड़ी और बानियन ट्रीज एंड वो पेंट करता था। ये वाड़ा की तरफ ध्यान था मन में, कभी तो वाड़ा पेंट करना है लेकिन ध्यान नहीं गया था। और जैसे मैंने बोला वो इंटैक करके एक इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में थी, उसका पुणे चैप्टर था, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो वहाँ की इंटैक की जो पुणे चैप्टर की जो हेड थी, शी वाज एन आर्टिस्ट, तो शी सॉ माय स्केचेस एंड शी आस्क्ड मी टू डू द हेरिटेज वाड़ा के स्केचेस। और फिर मैं स्केचेस करना शुरू कर दिया और मुझे इतनी रुचि आ गई उसमें, क्योंकि उसका जो एस्थेटिक्स है वो मुझे समझने लगा। उसी टाइम मैं कमर्शियली आर्किटेक्चरल काम करता था, ओके, फॉर द आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री। ये बिल्डर लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो आई यूज्ड टू डू द पर्सपेक्टिव ड्राइंग एंड ब्रोचर्स व्हिच इज देयर सेलिंग विजुअल इलस्ट्रेशंस। तो मैं देखता था कि ये बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाते हैं, तो अगर एम्प्टी प्लॉट है तो ठीक है बिल्डिंग बन गई, एम्प्टी नहीं है काफी सारे जगह में, तो वाड़ा को डिमोलिश करते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं। तो उसमें बड़ा दुख होता था कि ये पुराना वाड़ा चला जा रहा है और नई बिल्डिंग बन रही है, वो इतनी अच्छी नहीं थी ये वाड़ा जैसे। तो उसी समय में ये वाड़े के इलस्ट्रेशन भी करता था। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये मेरा ये वाड़े की तरफ ट्रिब्यूट है, ये पेंटिंग जो है ये रहेगी, ये वाड़ा चला जाएगा, उससे ये वाड़ा में काफी सारी रुचि आ गई। बस। एक्सीलेंट। सर वैसे भी अगर आपके कई वर्क्स को देखें तो उसमें जो हमारे हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो आपने उनको काफी पेंट किया है सर वाटर कलर। या और उसमें भी एक बात है मुझे जी, कि मैं उदयपुर गया था, तो उदयपुर में मैंने देखा कि वो सिटी पैलेस है, वो पानी में कुछ तो सफेद वाला कौन सा पैलेस है पता नहीं, वाटर पैलेस, लेक पैलेस, और बड़े बड़े पैलेसेस है और पैलेसेस के बाजू में छोटी छोटी गलियां है और गलियां में छोटे छोटे ऐसे क्रैम्प्ड नॉर्मल आर्किटेक्चर है जी। तो ऑब्वियसली मैं मेरे वाइफ के साथ वी वेर देयर ऑन ड्यूरिंग आवर हनीमून और व्हाटएवर वी वेर लाइक अ टूरिस्ट। तो सभी लोग वो सिटी पैलेस देखने जाते हैं और सिटी पैलेस में राजा कैसे रहता था, महाराजा कैसे था, कितना ग्रैंडर है। लेकिन तभी से मुझे वो पैलेस में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था वो गलियों में। गलियों में जो एस्थेटिक्स दिखने को मिलता है, जो टुगेदरनेस दिखने को मिलता है, लिविंग टुगेदर। सो मेरे पेंटिंग में देखोगे तो द अनप्रोटेक्टेड हेरिटेज इज सीन मोर इन माय पेंटिंग्स दैन द प्रोटेक्टेड हेरिटेज। तो पैलेस से वजह मुझे गलियों में ज्यादा इंटरेस्ट था, तभी से आज भी है। ग्रेट सर, क्योंकि सर जब आप ये चंडीगढ़ में भी आप आए तो मेरी बात सिकंदर जी से भी हुई एंड मिनी मैम से हुई। तो जब आप चंडीगढ़ है तो आपको यहाँ की जो हमारी बिल्डिंग्स हैं आपको उससे ज्यादा अच्छा जो हमारे बिल्कुल साथ में एक छोटा सा गांव पहले था, अब तो खैर बहुत बड़ा एक शहर के रूप में वो बन गया है नया गाँव। तो आपने वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का जो माहौल आपको ज्यादा आकर्षित हुआ, वहाँ वहीं पे पेंट किया सर। तो जितने भी आपके जो वर्क्स हैं कहीं ना कहीं वो प्रभाव आपके काम में भी देखने को मिल रहा है। अभी जो स्लाइड है ये हमारी कोकण की है जी। तो मतलब आई डोंट लिव ऑन द कोस्टल लाइन बट देयर इज अ सेइंग आमचो कोकण ऐसे काहीतरी बोलतात। सो दिस इज लाइक आवर होम टाउन। दो आई डोंट लिव इन दैट टाउन, आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स कि जैसे मुझे कभी भी जाता हूँ तो होमली फीलिंग आ जाता है जी। तो कोकण इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग फिनोमिना दैट हैज फॉर्चुनेटली हैपेंड इन इंडिया कि देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ पाम ट्रीज एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड स्मॉल विलेजेस विच इवन टुडे हैव द टाइल्ड रूफ एंड जैसे छोटे छोटे घर है। एंड फॉर्चुनेटली कोकण को ये हेरिटेज प्रोटेक्शन मिल गया, वो डिमोलिश होके बिल्डिंग की लाइन नहीं लग गई क्योंकि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज टुडे। तो ये मेरा कोकण का पेंटिंग है। हाँ, ये वाराणसी का एक है। सो वाराणसी इज अ मिक्स्ड कल्चर, यू नो देयर आर सो मेनी टेम्पल्स। सो एक्सपीरियंस ऑफ वाराणसी वाज अनबिलीवेबल। मतलब जैसे कंपैरिजन में करना चाहता हूँ कि हम पुणे में रहते हैं। पुणे इज कंपैरेटिवली अ फ्लैट सिटी बट देर आर माउंटेन्स अराउंड अस, देर आर हिल्स इन पुणे, देर आर माउंटेन। सो वी यूज टू क्लाइम द हिल, वी यूज टू गो ऑन व्हाटएवर कॉल्ड सिंहगढ़ जो जरा बड़ा सा माउंटेन है, और देर इज अ सह्याद्री रेंज विच आर बिगर माउंटेन। सो व्हेन यू ग्रो अप यू हैव अ आइडिया ऑफ अ माउंटेन and you have heard Himalaya is supposed to be a big mountain. So आप क्या सोचते हैं कि ये हमारा mountain इतना है, हिमालय इतना होगा, थोड़ा बड़ा होगा इससे। But when you actually see Himalaya, you see it is like 100 times the mountain you see in your city. Okay, the size, the immenseness of the Himalaya, size of the Himalaya. Whenever like people from south actually see the Himalaya, when you go there to Manali or even further down, then you realize कि स्केल क्या है जिसको माउंटेन बोलते हैं। तो सिमिलर एक्सपीरियंस वी फाउंड इन वाराणसी बिकॉज इन महाराष्ट्र ऑल्सो देर आर टू प्लेसेस लाइक वाई, नासिक एंड देर आर वेर देर इज अ रिवर एंड देर आर टेम्पल्स एंड अ घाट ऑन द रिवर। तो वाराणसी एक बड़ा घाट है ये सुना था, लेकिन कितना बड़ा ये मालूम नहीं था। तो जैसे वो हिमालय के मैं ये कर रहा हूँ कंपेरिजन, वैसे वाराणसी लाइक 5 किलोमीटर्स ऑफ घाट ओनली। सो जहाँ देखो मंदिर है, जहाँ देखो घाट है, और उसमें पेंटिंग की पॉसिबिलिटी है। सो वाराणसी एक्सपीरियंस वाज वेरी ओवरवेलमिंग। ये वाराणसी का ही कुछ बाजू वाला घाट है आई थिंक। हाँ, दिस इज फ्रॉम थाईलैंड। तो इसके बारे में मिनी जी आप बोलो इस पेंटिंग के बारे में। क्या दिस वाज द फर्स्ट पेंटिंग यू सॉ मी पेंटिंग? आपका माइक ऑफ है। मिनी जी आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं इस वर्क के बारे में। हाँ जी, हाँ, this was the first painting that I saw him paint live. So मेरे लिए ये बहुत special है. I call it a peace painting. I love it. I simply love it. So, thank you ma'am. नहीं बता दो कैसे कैसे हम यहाँ पे गए थे और बैठे थे और भी crossed, there was a small water body around this building and we crossed that and कच्ची मिट्टी पे बैठ के पेंटिंग हुई. So बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. नहीं और थाईलैंड में तब तब हमें मालूम नहीं था और तब हमें एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ था ये वाटर में ये बड़े ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, those were lizard kinds, huge some lizard kinds थे, बहुत बड़े. They are not crocodiles but they look like small crocodiles. 5-6 फीट डरावने होते हैं और तुम्हें पता नहीं कि कब वो पानी के बाहर आ जाएंगे. फॉर्चुनेटली ये पेंटिंग जब मैं कर रहा था तो कोई बाहर नहीं आया लेकिन वो कभी भी बाहर आ सकता है. और हमारे ग्रुप में से कोई पेंट कर रहा था तो वो आया था, उसका पूरा पेंट इधर उधर हो गया, वो भाग गई. तो that's a funny experience you get in Thailand. I mean these are not the crocodiles who eat you, but they look like the very fierce. Anyway, thank you. आगे ये वापस वही पेंटिंग है जो पहले दिखाया था. इसका थोड़ा सा आई थिंक change is a little bigger version of that. Yeah, that was done on the spot. This was done back in the studio, I think. So बस हमारा कोकण का वही पेंटिंग है. हाँ, this is the Pune which you get to see even today. पुणे के ओल्ड बिल्डिंग भी शाबू में है, नए बिल्डिंग क्रॉसओवर कर रहे हैं. And evening time you get a wonderful light if you are in the right spot. So this is all about light and shadow. Light and shadow. Yes. And this is one of the British building जो पुणे में अभी तक शाबूत है. See, because of these two institutions like the educational institute and the army and some of the government offices, these heritage buildings are still there. So this was one time Ferguson College. Yeah. This was somebody else's reference, but the light effect is quite interesting. Reflected light is made. So marvelous, sir. Actually, जो light का effect आया सर. Yeah. और वो बीच में जो stone है, उसपे कुछ तो था. I think कुछ तो paint किया, तो वो सल्वाडोर डाली जैसे दिखता है. किसी ने तो बोला. सर थोड़ा close करके दिखाता हूँ. डाली दिखा है. Yeah. Oh, हाँ ये भी ऐसे ही एक कोकण का पेंटिंग है. सर सी जब भी कोकण में हम जाते हैं ना तो हम एक जगह बैठ सकते हैं, एक जगह खड़ा हो सकते हैं और यू कैन चेंज द डायरेक्शन इन 10 डिविजन ऑफ 360 डिग्री एंड यू कैन डू 10 पेंटिंग्स. इतना वो कोकण में देयर आर पेंटिंग पॉसिबिलिटीज फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मी हु लाइक्स दिस वाटर कलर एंड प्ले ऑफ लाइट एंड शैडो. तो मतलब और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहती है. हाँ ये हमारा स्पेन वाला पेंटिंग है जो वहां बैठ के किया था मायोरका में. देयर आर I mean, fortunately, the Europeans have managed to keep their heritage just exactly the way watercolor artists would want to paint them. So this was very interesting. Wonderful work, sir. Yeah. This is from Kerala. Kerala and Kokkan are very similar, but they are very different also in certain ways. That Kerala obviously is a larger forestry. कोकण में जो बनाना ट्रीज है ना वो ऐसे वेरिएबल रहती है. केरला बनाना ट्रीज आर यूजुअली ऑफ द सेम साइज एंड इन लॉट So a very experienced eye would immediately know that this is not Kokkan, this is Kerala. Obviously, very experienced eye. ये केरला का ही है. Yeah, this is also one of the Kerala painting. Just sitting there. This, of course, I have done it back at the studio. See, this is one of my very favorite painting because of the compositional balance. And तो ऐसे लोग काफी मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा पेंटिंग कब फेल होता है क्या. So I say actually, yeah, because my expectations are different from what other people see. But this one was, this one fulfilled my expectation. तो ये मेरा successful painting है. बाकी सारे मेरे unsuccessful in parts है. No, this is one of the paintings I was really happy with. I don't know because the balance of the lost and found and movement in the painting. Yeah. क्या लगता है नक्शदीप अच्छा है ना बाकी सर? ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट सर. एक एक वर्क को डोर करने के लिए 1 आवर चाहिए. थैंक यू नक्श. हाँ, ये भी वैसे केरला का ही पेंटिंग है. केरला दे से इट्स गॉड्स ओन कंट्री, सो आई बिलीव इट. इट एक्चुअली इज समथिंग एल्स. Yeah. Okay, you are coming. I mean, going. हाँ मिनी जी, आपने शायद ये कंपाइलेशन किया है तो इसीलिए वो नहीं, सारा मेरा नहीं है. इनने अपने ऐड करे हैं बीच में. हाँ, तो मैं मुझे समझ आ रहा है कि all your favorite greens you are putting one after the other. Yeah. Greens are your USP. So greens के बिना आपका हो नहीं सकता ना कोई talk show ऐसे. नहीं, फिर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. प्लीज प्लीज सर, प्लीज. नहीं तो मेरा 95 में एक एग्जीबिशन हुआ था जहांगीर में जी. तो दैट टाइम कोकन पेंटिंग्स वर नॉट देयर. ओके, जरा होल्ड करो. हाँ सर, ओके. दैट टाइम लॉट ऑफ नहीं ये हाँ होल्ड कर. तो दैट टाइम लॉट ऑफ पुणे वाडाज वेर देयर. एंड वाडाज में क्या होता है, ब्राउन होता है, ग्रे होता है, और समटाइम दैट ब्लू डोर इज देयर. And some of the houses which are painted blue. वो blue paint क्यों use करते हैं? Because it comes like a चूना. It's a very cheap paint which so you don't have to plaster the house and then paint the house. The paint and plaster एक ही में हो जाता है. इसके लिए वो काफी सारे villages में blue houses होती हैं. तो वैसे मेरी काफी सारी painting वो जहांगीर में थी. And one of the journalist came and she said you are obsessed with blue. I said oh yes. Then I had an exhibition in another place in Mumbai in Centaur. That time there were some different houses which had yellow walls. So that journalist came there and she said, "Last time you were obsessed with blue, this time you are obsessed with yellow." So, okay. तो मैं सभी कलर से obsessed होता हूँ. जो आपको अच्छी लगती है, आप उससे obsessed हो जाती है. So green is my USP, yellow was my USP once, blue is my USP. So ऐसे मेरे लिए कुछ ऐसे फर्क नहीं होता है. तो जैसे लोग मुझे पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, हाँ ग्रीन होना चाहिए, तो मेरा फेवरेट कलर तो है ही नहीं. मेरा फेवरेट कलर पूछो तो वो व्हाइट है. ओके okay. क्योंकि वो मैं कुछ भी कलर उस पर डाल सकता हूँ, इसलिए व्हाइट है. और ब्लैक है जिससे मैं किसी भी कलर को उठा ले सकता हूँ, और बाकी सब कलर मेरे लिए एक जैसे है. Okay, anyway, that was just a diversion. But green is my USP because I painted a lot of Kokkan in Kerala, definitely. Yeah, I'm also wearing a green shirt, a green T-shirt. This is very interesting Pune site you get to see because there are still today lot of rickshaws which sometimes follow the traffic rules, sometimes break the traffic rule. And these people had broken the traffic rules, so I could catch them in my camera and got my very interesting frame to paint. And तो इसीलिए जो सिटी में जो चीज लोगों को अच्छी नहीं लगती वो मुझे अच्छी लगती है. जैसे कि just a minute, I will just divert a little bit. जी सर. See, Pune के roads are very bad. The The asphalting of the road is very bad, तो उसमें खड्डे आ जाते हैं। जैसे कि एक बारिश हो गया तो खड्डे आ गए, और खड्डे आने से वापस बारिश हो जाता है तो पानी भर जाता है, और पानी भरने से अच्छा सा रिफ्लेक्शन मिल जाता है, एंड देन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू पेंट। तो मैं वहां बैठ के वो खड्डे की तारीफ कर रहा था और लोग सुन रहे कि ये क्या पागल आदमी है, खड्डे की तारीफ कर रहे तो ऐसी उल्टी चीजें आर्टिस्ट के बारे में हर जगह होती है कि जो नॉर्मल आदमी को लगता है कि ये क्या है, आर्टिस्ट को लगता है अरे ये तो मेरा इंस्पिरेशन है। Anyway, so that was a little. See, this was the blue I was talking about. There are a lot of houses which they actually paint with blue plaster. And the bicycle is there, rickshaw is there, stone wall is there, bricks is there, my blue is there. और किस चीज की जरूरत ही नहीं जिंदगी में, बस हो गया, सब मिल गया। सर एक्चुअल आपने इस पे काफी लंबी एक सीरीज भी तैयार की है, जैसे रिक्शास के ऊपर किया है या साइकिल्स के ऊपर काम किया है। सीरीज वैसे मैंने कॉन्शियसली नहीं की, जो मैं देख रहा हूँ, जो पसंद आया उसको पेंट किया। फिर लोगों ने बोला कि अरे ये रिक्शा और साइकिल तुम्हें बहुत पसंद है, तभी मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे है वो पसंद, क्योंकि दे आर गिविंग मी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल विजुअल पॉसिबिलिटीज। मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था कि तुम क्या वो रिक्शा यूनियन के लिए काम करते हो क्या, उनके लिए तो अगर रिक्शा यूनियन है तो माय दिस इज देयर, माय ब्लेसिंग्स आर फॉर देम बिकॉज दे आर गिविंग मी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल विजुअल पॉसिबिलिटीज। या तो इसके बारे में सर, हाँ जी सर, जिस भी आपको स्लाइड पे लगता हो कि वहाँ उस पे रुक के हमें बात करना, तो काइंडली आप सर वहाँ रुक सकते हैं। दिस इज अ रादर फेवरेट पेंटिंग ऑफ माइन बिकॉज इट हैज अ वेरी फ्लैट रेक्टेंगुलर एब्स्ट्रैक्शन। जैसे ये रेक्टेंगुलर वॉल है दैट गेट्स कनेक्टेड विद अ ब्लैक रिक्शा, एंड देन देयर इज अ ब्लू पैच, एंड देन देयर इज अ अगेन अ ब्लैक पैच. So that black patch on the right is balancing this rickshaw and the connection here. So compositionally, this is one of my successful attempt. बस चले आगे। So even जो texture है जो wall के ऊपर वो बहुत yeah excellent sir. So I experimented watercolor with mixed media, like जैसे पहले किसी ने किया है और नहीं मुझे मालूम नहीं जी, लेकिन around the people which I saw, I was the first one to do the oil crayons first and then do a watercolor on that. तो oil crayon से वो resist create हो जाता है और वो अपने आप easily texture मिल जाता है and yeah. This is also similarly texture. See ये texture का जो मुझे समझ में आया that invention of the texture I would say. That became randomly, क्योंकि मेरा बच्चा जब एक साल का, 1-2 साल का था सतेज, ओके, तो उसने वो क्रेयॉन, मैं कुछ पेंट कर रहा था, वो बीच में आ गया, मैं चला गया था और उसने क्रेयॉन से उसके ऊपर पूरा घिसट लिया, ओके, तो व्हेन आई केम बैक एंड आई सॉ दैट द क्रेयॉन्स हैव बीन स्क्रैच्ड ऑन माय पेंटिंग, आई वाज वेरी एंग्री, बट देन आई सेड कि लेट मी फिनिश इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, और वो अपने आप मुझे आइडिया मिल गया कि क्रेयॉन के ऊपर से अच्छा सा टेक्सचर मिल जाता है। सो दैट वाज अ डिस्कवरी बाय चांस। एक्सीलेंट। या एंड द क्रेडिट गोज टू यस सर। ग्रेट सर। हाँ, ये काफी सारे रिक्शा है, इसमें थोड़ा वो व्हील आगे चला गया है, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, हाँ, इस पेंटिंग से मैं एक बात का ये करना चाहता हूँ कि whenever any artist finds his inspiration, it is not the subject matter. Okay. मेरे लिए क्या है, एक रिक्शा में ब्लैक्स है, येलोज है, so and there is a shape, and obviously there is a beauty of life also around it. तो हमें एक आदत सी हो जाती है कि कंपोजिशन ढूंढो, ओके, हर जगह में कहीं भी देखो तो वो कंपोजिशन ढूंढते रहते कि ये येलो ऐसे जा रहा है, फिर इधर एक येलो है, फिर उधर एक रेड का पैटर्न है, फिर येलो यहाँ से बाउंस होता है, रेड यहाँ है, ब्लू यहाँ है, ब्लैक से वो कनेक्ट हो रहे हैं और वाइट पैचेस है और मेरा कंपोजिशन बन गया। ये जो प्रोसेस है इसकी इतनी आदत हो जाती है कि एक बार मैं कॉफी शॉप में किसी के साथ गया था एंड इमीडिएटली माई हेड गॉन इनटू दैट मोड ऑफ फाइंडिंग कंपोजिशन। तो सीसीडी या कॉफी शॉप में बैठा था तो मैंने देखा कि यहाँ रेड है, ये मेरे साथ जो बैठा है उसके शर्ट पे रेड है, फिर पीछे एक लड़की बैठी है उसके ड्रेस में रेड है, फिर वो ऊपर रेड है और इधर एक ब्लैक है, इधर व्हाइट है और सामने वाला क्या बोल रहा था वो मुझे सुन भी नहीं रहा था, मैं सुन नहीं रहा तो वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं इस बात से। सो ऐसी चीजें आर्टिस्ट के साथ हो जाती है कि वो इमीडिएटली वो ब्रेन वो कंपोजिशन ढूंढने की कोशिश करता है और हमारा रियल वर्ल्ड से कनेक्शन थोड़ा सा टूट जाता है। This is the similar inspiration, like if you see the painting is not about rickshaw coming on the road. Painting is about rickshaw connected with the yellows, reds and blues in the background and connected with some mass on this side. So subject जो होता है वो रिक्शा और रोड नहीं होता है, subject होता है shapes, colors, tones and their relation. This is the rainy season. ये हमारा पुणे का प्राइड है, वो गुडलक कैफे करके है। I painted so many paintings of that particular cafe. It's a Irani cafe, but it is still holding its old heritage structure. So now it has become very famous in the whole world because a lot of Pune people have started painting it, including me. हाँ, this is another cityscape. See, this was actually inspired by the earlier one was one of my friend's photograph. But at the same time, my wife was writing a book on city life, the crowding of city life. So I wanted to do a book cover for her book. So all that city cramped. सिटी लाइफ इंस्पिरेशन के लिए कुछ करना था और ये ऐसे फोटोग्राफ मुझे अच्छी तरह से मिल गया जिसमें वो डिपिक्ट हो गया। सो दिस वाज यूज्ड फॉर अ कवर ऑफ द बुक। येट अनदर फेवरेट जगह मेरी। दिस इज वेरी क्लोज फ्रॉम माय स्टूडियो एक्चुअली, दिस प्लेस। सर ये भी पुणे का ही है सर? या पुणे का ही है। Pune fortunately is a very blessed city in terms of heritage and modernity, and all the comforts. Yet you have all the historical things. Yeah. So ये cycles का है जो आपका। इसके दो चार work हैं जो हमने slides में रखी हैं सर। Yeah. ये cycle वाला जो है ना कि जब भी मैं मतलब फ्रॉम व्हेन आई मूव इनटू द न्यूअर साइड ऑफ पुणे, मतलब मच मॉडर्न साइड ऑफ पुणे, यूजुअली दोज हेरिटेज आर्किटेक्चर इज नॉट देयर, एवरीथिंग इज वेरी मॉडर्न। सो देयर इज अ वेरी फेमस रोड फर्ग्यूसन रोड करके है, उस पर काफी सारे होटल्स है तो यंगस्टर जो वो वहाँ पे घूमते रहते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ दिखने को मिलती है इसलिए यंगस्टर्स को। So I was also young once, so I know that. So okay, that apart, if you are walking on the road, you see some beautiful restaurant, beautiful hoarding, beautiful people moving around, and you go inside the building. Okay, so inside building में कुछ तो एक ये होता है कि there is a different world from what is outside. Outside is all glamorous things happening, and if you go inside, there is a very depressed kind of a look in the inside of the building. पीछे वाली slide में जाना, पीछे वाली slide. तो जैसे कि वो electric meter, काफी सारे meters है, काफी सारे wires है, वो cycle पड़ी है, and it has a very what you can say unmaintained look. तो पूरी जो चमकीली दुनिया है वो बाहर है और थोड़ा सा तुम अंदर जाओ तो एकदम सी डिप्रेस, नॉट डिप्रेस इज अ रॉन्ग वर्ड, अनलुक्ड आफ्टर एरियाज एंड देयर यू गेट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग विजुअल पॉसिबिलिटीज। तो ये ऐसे मुझे बाहर सब दुनिया चमकीली है और अंदर ये बड़ा है, तो जो भी विजुअली वेरी इंटरेस्टिंग है। Anyway, so if you read my book, there are certain thoughts of these paintings in my watercolor expression books. Yeah, this is a typical favorite. A very nice textured wall, cycle है, टोपली है और वो छिलके उड़े हैं, तो बस और क्या चाहिए। So ये कहाँ का है ये exactly? This was a reference somebody in my class had bought, so I don't know exactly where this is from. Okay. But this is a very common scene seen everywhere. If you come to Pune or any of the towns which have a historical this thing, history behind them, ये मिल जाता है. Okay, that's great. हाँ, ये पूना का ही है, ये भी मेरे स्टूडियो के बाजू में है थोड़ा, मतलब इफ यू वॉक अबाउट 100 feet फ्रॉम माय स्टूडियो, दिस वाडा इज स्टिल स्टैंडिंग देयर। सर ये इसमें जो मीडियम है वो आपका ये कंप्लीटली ये ऑयल है, ये ऑयल पेंट है जो वाटर कलर जैसे दिखता है। हाँ यस, तो हाँ मेरे में इतने वाटर कलर करने के बाद जब ये ऑयल उठाऊँ तो वाटर कलर की तरफ के जैसे ही यूज करता हूँ, तो जो भी देखता है वो बोलता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या मीडियम है। सर एक्चुअली वो ये बॉक्स के ऊपर जो पिलर के साथ एक बॉक्स है उसके ऊपर जो लाइट है वो एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। यस एंड इवन सर टेक्सचर मार्वलेस है, राइट। ये भी अभी साइकिल के बाद, साइकिल के बाद उसको मैं हम क्या बोलते थे, गली क्वीन। अभी ये पर्सनली मुझे बड़ा बहुत पसंद आया सर ये वाला जो वर्क है, राइट। सी दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर यू गेट इन, जैसे सिकंदर के घर गए थे हम। जी 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 जी, तो चंडीगढ़ से थोड़ा बाहर चले गए तो ऐसे सब चीज़ों देखने को मिलती है। एंड देयर इज अ इनहेरेंट ब्यूटी इन देम, बिकॉज वो कपड़े सुखाने के लिए उनके घर में जगह नहीं है तो वो बाहर रख देंगे, उनके घर में काफ़ी कम जगह है। तो समटाइम अभी इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन पुणे में ऐसे कोई बस्तियां हैं कि जिनका घर आधा रास्ते पे होता है और आधा अंदर होता है, तो उसके वजह से इतने अच्छे कॉम्पोजिशन मिल जाते हैं। बेचारे वो लोग, दे आर नॉट लिविंग इन अ ग्रेट कंफर्ट, आई नो दैट एंड आई एम वेरी सिंपथेटिक विद देयर स्टाइल ऑफ लिविंग, बट आई लाइक द वे दीज पीपल लिव वेरी हैप्पीली अंडर द हाफ रूफ, और उससे हमें काफी सारे कॉम्पोजिशन मिल जाते हैं। so, this is typical वाराणसी वाला। ये मंदिर किसका है मुझे पता भी नहीं, लोगों को, लोग मुझे पूछते हैं कि ये वो वाला मंदिर है क्या, तो हो सकता है। बस मणिकर्णी का एक मंदिर मुझे मालूम है, बाकी किसका है ज्यादा नहीं पता। या द सेम शॉट इन अ डिफरेंट पोजीशन। जी या दिस इज वाराणसी एट नाइट। And I am the proud owner of this painting. Yeah, I was going to say that. Excellent, sir. Yeah. This was a mixed media, so there is a little collage if you can see behind, and I don't know. This idea also came to me by chance only, ki mixing some collage with the watercolor medium. So maybe many people have done it previously, but I had never done it. ये idea कैसे मुझे आ गई मुझे याद नहीं, At that time, yeah, there was an exhibition in France which was based on the Indian culture. Okay. So I was doing watercolors for them. So I said that Indian culture cannot be depicted with a, जैसे वो लोगों को लगता है कि हाथी है, बैल है, मंदिर है, तो इंडियन कल्चर हो गया. But for me, visually, Indian culture is a mixture of visual elements, incongruency of visual elements. जैसे ये अर्बन वॉल है, अर्बन वॉल पे कुछ चिपकाया है, उसमें टेक्सचर है, और बैल कहाँ से आ गया? सडनली बैल आ गया. वो तो गांव में होना चाहिए, लेकिन वो आ जाता है बीच में, उसके पीछे अपना टीवीएस वाला स्कूटर है. तो these are the different elements of modern elements and village traditional elements combined together. This is a depiction of Indian culture. What we get to see today. Yes. Okay, it's a mixed. So this was one of the reason I use this mixed media. Wonderful, sir. Thank you. Sir, मैं एक सेकंड लेना चाहूँगा इसमें जो पिछली स्लाइड थी सर. जी. इसमें. हाँ. सर आपकी एक बुक में एक कंपोजिशन है बैलगाड़ी की. जिसमें बहुत अच्छा लाइट पड़ रहा है काउस के ऊपर. दो काउस है और पीछे बैकग्राउंड में एक पुराना सा कोई दीवार थी. जी. तो सर वो बुक मुझे जैसे मैंने आपको बताया था मेरे टीचर ने मुझे स्कूल में दी थी एक बार देखने के लिए. तो सर वो कंपोजिशन मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा. बट व्हेन यू आर एन एमेच्योर आर्टिस्ट तो उसमें वॉशेस पे जैसे आप ब्लूज इंट्रोड्यूस करते हो या आप बर्न सेना इंट्रोड्यूस करते तो वो एमेच्योर आर्टिस्ट वो नहीं कर पाता. तो उसकी वजह से वो मेरे को कंपोजिशन इतना अच्छा लगा और मेरा मन था कि उस कंपोजिशन को मैंने ड्रॉ करना है. तो सर आई गेव इट लाइक 15-16 ट्राइज दैट टाइम. इतनी बार बना रहा हूँ वो चीज नहीं आ रही. एट लास्ट जब इतनी देर के बाद वो वॉशेस वैसे थोड़े लगे मेरे कि I was satisfied. मैं इतना खुश था. मैंने अपनी क्लासरूम में वो पेंटिंग लगा के रखी कितने दिन ताकि सारा स्कूल देखे. क्योंकि that was a big achievement for me कि मैंने कुछ अच्छी पेंटिंग की है इस बार. तो बहुत ट्राई किया था सर. पहले बुक में थी वो दो बैल और वो ब्रिक्स है पीछे. जी 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 जी. This is a very interesting yellow wall, green this thing, blue, brown. तो ये भी जो टेक्सचर आप दिख रहे हैं वो क्रेयॉन की वजह से, जो क्रेयॉन का इन्वेंशन मुझे हुआ उसकी वजह से हो गया है. अगली स्लाइड पे चलते हैं. See, this is what we get to see. Fortunately, very close to my studio also. If you peek inside the Vadas, you see something like this. So there are clothes hanging. There are doors open inside, so yeah. ये भी पुणे वाड़ा वाला टेक्सचर वाला कोई सीन है. हाँ, these are very interesting steps which are in Pune. So Pune has a history of say 300-400 or more, I think more, even more, 400 years old. So these are one of the steps which were built about more than 300 years back, opposite that Shanwar Wada. And that Wada is also, and there is a white building coming up. So suddenly you see a passage into time. So वहाँ जब भी खड़े रहते थे तो ऐसे लगता है कि you are traveling back in time. And I think वो फीलिंग थोड़ा सा आ गया है इसमें. There is a sunlight from that side, but then the steps are you are moving into some different reality. तो ये वेनिस के बारे में कुछ सुनना है आपको? अगर टाइम ये वेनिस जो है ये बड़ा अजीब सा शहर है. यहाँ रास्ते जो है वो रास्ते नहीं है, वो कैनाल्स है. तो यू ऑल हैव हर्ड अबाउट वेनिस. तो सभी आर्टिस्ट ने जो फॉरेन के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है, जॉन सिंगर सार्जेंट से लेके केन हॉवर्ड है, तो जो जो आर्टिस्ट में देखता था तो सभी लोगों ने वेनिस पेंट किया है. तो इसीलिए मुझे भी कब जिंदगी में वेनिस पेंट करने का था. So that's why in 1996, I was much younger then. So मैंने सोच लिया कि मुझे वेनिस जाना ही है. So that time I had gathered some money, I had little free time. So I went to Europe on a very budgetary tour. Okay. Or one of the tour में my main USP, my main intention was to paint in Venice. तो tour का सबसे ज़्यादा time और खर्चा जो भी मतलब the money I had kept it for Venice. So I had kept my last 10 days to stay in Venice. और जब भी मैं वेनिस में पहुंचा तो समझ में आया that time ये इंटरनेट नहीं था, क्रेडिट कार्ड नहीं था, तो you go directly to some town and then look for the hotels. If you find the hotels, you stay there. तो पहले भी मुझे एक दो बार ऐसे ये हुआ था, एक्सपीरियंस हुआ था कि होटल नहीं मिलते हैं वहाँ पे. और वेनिस में जाके देखा तो पूरा फुल था, सभी जगह फुल है. मतलब फ्रॉम 5 स्टार से लेके वो जो छोटे छोटे पॉसियंस बोलते हैं जिनको, बेड एंड ब्रेकफास्ट वाले होटल, सब फुल था क्योंकि वेनिस में नेक्स्ट दिन कुछ तो ओपेरा फेस्टिवल होने वाला था. तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं बोला कि इतना देर से, इतना दूर से मैं वेनिस में आया और मैं वेनिस में नहीं रह सकता. तो द ओनली चॉइस आई हैड कि बाजू वाले किसी गांव में जाओ ट्रेन लेके, वहाँ होटल मिल जाएगा, फिर रोज ट्रेन से यहाँ आओ और वापस जाओ. सो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. मैं सुबह से ऐसे घूम रहा था वेनिस में, होटल नहीं मिल रहा था, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते मैं वेनिस के कॉर्नर पे आ गया जहाँ से सी शुरू हो जाता है. और आई वॉज कन्विंस दैट कि यहाँ होटल नहीं मिलने वाला है, मुझे वापस ट्रेन स्टेशन जाना पड़ेगा, ट्रेन लेके दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी. तो वो ट्रेन जाने के लिए काफ़ी दूर मैं चलते आया था, तो ट्रेन जाने के लिए बोट लेनी पड़ती है, जो बोट ऐसे कैनाल में से वापस रेलवे स्टेशन जाती है. तो इसीलिए मैं बोला कि चलो अभी बोट में चढ़ते हैं और स्टेशन चले जाते हैं. और मेरा सामान जो था वो स्टेशन पर रखा था, जो हेवी सामान जो है, और मैं बोट में बैठ गया और बोट समुंदर में चली गई. और मैं सोचा कि ये तो कुछ गलत हो गया, तो मैंने उल्टी वाली बोट ली थी, जो स्टेशन पे जा रही थी वो नहीं ली थी, जो किसी दूसरे आइलैंड पे जाने वाली थी. मिरानो बिरानो करके आइलैंड है वहां पे, और मैं पूरी उल्टी दिशा में चला गया और वो आइलैंड पे लटक गया. वो आइलैंड भी अच्छा था, लेकिन मुझे वो देखने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे होटल ढूंढने में अभी तो इंटरेस्ट है. फिर वापसी वाली बोट 1 घंटे के बाद या 2 घंटे बाद थी, तो मैं वहाँ निराश होके बैठ गया और स्केच बिच कर रहा था. तो मैंने देखा कि वहाँ एक टूरिस्ट कियोस्क है. टूरिस्ट कियोस्क मतलब दैट इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे. तो वहाँ मैंने जाके पूछा कि अगर रहने का कुछ इंतजाम हो सकता है, तो दैट लेडी फोन्ड समबडी, और वेनिस में कहीं जगह तो 1 रूम खाली थी. तो बिकॉज द वे आई ट्रेवल्ड ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो कियोस्क में मुझे वो रूम मिल गई. आगे बताऊं, आगे काफी सारी स्टोरी है, टाइम है तो बताता हूँ. जी जी हाँ. तो वो कियोस्क में रूम मिल गई, तो उसमें उसको मैंने $25 दे दिया, वो रूम बुक कर दी, और उसने मुझे वो रिसीट दे दी, उस पे वो होटल का नाम था. वो लेके दूसरी बोट से मैं आ गया. मैं बोला कि पहले होटल में चेक इन करते हैं, फिर स्टेशन पे जाके सामान लेके आते हैं. तो तब तक बारिश भी थोड़ी हो रही थी, तो वेरी अनकंफर्टेबली आई वेंट. आई हैड ओनली 1 हैंड बैग विथ मी, माई पेंटिंग मटेरियल, और उसमें कुछ तो शर्ट टी शर्ट रहेगा, टी शर्ट पैंट ऐसे कुछ. फिर देखा, फिर वेनिस में इतना सारा एड्रेस, फाइंडिंग द एड्रेस इन वेनिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज देयर इज नो लॉजिक कि A1 इधर है, A2 इधर है, और A3 है ही नहीं, A4 है डायरेक्टली. तो हमें पता नहीं चलता कि A3 किधर है. तो A3 ये कैनाल के ये साइड हो सकता है. ओके ऐसे कुछ तो इलॉजिकल नंबरिंग इज देयर. देन यू हैव टू फाइंड अ ब्रिज विच विल क्रॉस द कैनाल. ये जैसे ब्रिज दिख रहा है ना, तो ये साइड पूरे हाउसेज है, ये साइड पूरे हाउसेज है, और एक बीच में क्रॉस होता है. तो तुम्हारा A1 A2 A3 यहाँ हो गया, A4 A5 यहाँ हो सकता है. तो तुम्हें ऐसे लगता है कि यहाँ मिल जाएगा, लेकिन वो एड्रेस कहीं वहाँ दूसरी जगह होता है. तो ऐसे वो जो होटल का एड्रेस था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था. तो मुझे लगा कि ये लड़की ने फंसा दिया मुझे, ऐसा कोई होटल है ही नहीं. ओके फिर काफ़ी ढूंढने के बाद मैं ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया कि मैं फंस गया हूँ. मैं ऐसे बैठ गया और फिर मुझे वो लॉजिक याद आया कि शायद ये इधर हो सकता है जहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ। फिर मैंने जाके देखा तो वो मेरा होटल मिल गया, वो फंसाया नहीं था, होटल था वहाँ पे। ऐसे दीज आर लाइक वेरी नैरो बिल्डिंग, सो जस्ट वन, एक रूम के ऊपर दूसरी रूम, ऐसे होटल्स है और बीच में बाजू से स्टेयरकेस जाती है। तो जाके मेरे होटल में मैं अंदर गया, थोड़ा सा बारिश था इसलिए कपड़े चेंज कर दिया, वो चाबी लेके मैं बोला कि अभी स्टेशन पे चलते हैं। तब तक शाम होने लगी थी, इट वाज गेटिंग डार्कर। तो चाबी लेके मैं स्टेशन पे गया। नाउ आई वाज वेरी हैप्पी, नाउ आई हैव अ रूम एंड आई एम गोइंग टू स्टे इन वेनिस फॉर 10 days इन दिस रूम और व्हाटएवर, आई माइट फाइंड अनदर रूम आल्सो इफ इट इज चीपर। फिर स्टेशन पे जाके आराम से खाना पीना खा लिया, मेरा पूरा बैग लॉकर रूम से उठा लिया और मेरे हाथ में चाबी थी, लेकिन वो जो रिसेट थी जिसपे होटल का नाम और एड्रेस लिखा था वो रूम में ही भूल गया था। तो आई हैड नो क्लू कि मेरे होटल का नाम क्या है और वो किधर है, आपको समझ में आया। और वो दो बैग लेके मैं, आई वाज जस्ट बैंकिंग ऑन माय डायरेक्शन सेंस। एंड जैसे देखो कि इट्स अ वेरी क्राउडेड मोहल्ला है, उसमें होटल का नाम मालूम नहीं, किधर है मालूम नहीं, और मुझे होटल ढूंढना है। तो उसके बाद जो 2-3 घंटे मैंने बिताए वो होटल ढूंढने में, इसकी एक अलग सी स्टोरी है, वो मैंने बुक में लिखी है, मैं अभी यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। बट दैट वाज अ एक्सपीरियंस ऑफ द वेनिस। लेकिन क्या होता है कि जब भी तुम ऐसे एक्सपीरियंस ले लेते हो which are very one can say these are not enjoyable experiences, these are like very painful and bad experiences, but you are introduced to that place. तो इसके बाद जो painting आती है उसमें ये experience काम आते हैं मुझे लगता है, because then you are not looking at it as just a beautiful fairy land, you are actually part of that land, and that actually helps in painting those things, because you know the full side of the story, and now you are painting your story, something like that. Okay, this is also Venice typical wala scene hai, शायद प्लाइन एयर किया था। Anyway, आगे चलते हैं। हाँ, ये दोपहर में इटली के लोगों का एक अच्छा है कि दोपहर में सो जाते हैं, शायद पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे जैसे ये कैनाल जो सुबह और शाम में वेरी बिजी रहते हैं वो दोपहर में ऐसे शांत हो जाते हैं, तो इट्स लाइक अ सिएस्टा। आगे चलते हैं। या दिस इज द सेम वेनिस। आगे ऐसे ये वेनिस के कुछ थे आपके जो वाटर कलर्स हमने यहाँ रखे। Yeah. So I've already told you the experience of Venice, and now you are seeing Venice. Yeah, ऐसे काफी सारे काफी थोड़ी जगह है जहाँ पे ये लैंड दिखने मिलता है, बाकी तो कैनाल्स ही हर जगह है। हाँ, ये दिस इज फ्रॉम द एट होम, ये मेरे घर का पेंटिंग है। My wife was doing something in the kitchen. There was yellow, there was blue. So this is one of my favorite painting actually, I would say. But unfortunately, this these kind of series, when I exhibited, they didn't get the kind of response from the audience. They relate more to my typical landscape. But compositionally, if you ask me, this is a very one of my favorite painting. Medium इसका medium क्या है? This is acrylic. This is acrylic. This is also acrylic done on a very on a wooden board. हाँ, this is a mixed media. So जहाँ थोड़ा acrylic है, थोड़ा सा collage भी किया है। ये भी पुणे का something's gone wrong with Milind sir's screen. Okay, उसमें ये लास्ट ही हमारी स्लाइड्स हैं, मैं स्लाइड्स फिनिश करूँ, 1-2 स्लाइड्स हैं एंड उसके बाद हाँ निशी जी शॉर्ट में करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो क्योंकि हम पुणे से ही, तो ज्यादा हम शॉर्ट में ही बात करते हैं। तो एक्चुअली हर पुणे के आर्टिस्ट या महाराष्ट्र का आर्टिस्ट की इंस्पायरेशन रहे मिलिंद सर। हम कोई आर्टिस्ट बनता है तो हर किसी को वो मिलिंद सर का बुक लाके देता है कोई, तो उस पे वो सीखे तो हाँ ये आर्टिस्ट है तो बस ये बुक लाके देना है। जैसे हम कॉलेज में भी ज्वाइन करते हैं कॉलेज, तो वहाँ पे भी आर्ट के लिए कुछ बुक्स नहीं रहते कि ऐसा बुक्स लेके आओ, जैसे बाकी ट्वेल्थ में उसमें बुक्स रहते, तो वहाँ पे हमेशा एक मिलिंद सर का बुक रहेगा लैंडस्केप का और बाकी सब बाकी मटेरियल रहेगा, वहाँ पे कुछ बाकी नहीं रहता है। तो हर कोई आर्टिस्ट इनसे इंस्पायर होके आगे बढ़ रहा है। तो हमारे लिए एक एक पेड़ है, हम अभी जस्ट एक फ्रूट से उस पेड़ पे आए हुए, तो हम बस वही फ्रूट्स जो मिलिंद सर ने एक अच्छा खासा एक रूट प्लान किया है उसके ही हम छोटे छोटे पार्ट से। तो मैं सर को रियली थैंक्स कहूंगा कि हमारे लिए आप तो एक सेलिब्रिटी से बहुत आगे है, या मतलब जैसे कि कोई सेलिब्रिटी को मिलना कैसे तड़पता है किसी को मिलने के लिए, तो मिलिंद सर को भी हम तड़पते थे मिलने के लिए। तो आप उनसे बात कर रहे हैं तो रियली थैंक यू सर, थैंक यू निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर जी अगर आप कुछ बोलना चाहें प्लीज। नमस्कार मिलिंद सर। हाँ नमस्कार सिकंदर, बोलो सर। मैं आज यहाँ तक भी जो भी कर रहा हूँ सब आपका आशीर्वाद है। मैंने अपनी वाटर कलर की जर्नी आपको फॉलो करके ही की है, तो आप मेरे गुरु हैं, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मेरे गुरु मेरे सामने और मैं उनको उनके बारे में अच्छे से जान पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये बात मेरा जर्नी के अलावा मेरा गौरव ग्रंथ हो गया है। And Sikander sir, thank you so much. Thank you Sikander sir. To Milind sir. Yeah. Thank you so much. Thanks Sikander. I'm very privileged to have people like you around. Thank you sir. Thank you so much. Welcome. चलो आगे चलते हैं गुरदीप। हाँ. Thank you sir. Thank you. अपना संजीव जी हमारे बीच में, नीरज जी एक बार प्लीज चेक करेंगे। नीरज सर, नीरज पांगती जी। जी सर, आई एम हियर सर। मिलिंद सर अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि समय भी हो गया है, तो आप हमारे जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है तो वो भी जानना चाहेगी जो आज की जो सेशन का एक कंक्लूजन जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो कैसा रहा। तो काइंडली नीरज जी प्लीज आप जो आपने एक राइटअप तैयार किया है वो आप हमारी पूरी ऑडियंस के साथ शेयर करें प्लीज। थैंक यू सर। और ये बहुत बड़ा ऑनर आज हमारे लिए था कि इतने एमिनेंट आर्टिस्ट हमसे जुड़े, और 25वां एपिसोड जैसा कि आप सभी जानते हैं कलात्मक सफ़रनामा का, आज हम उसमें हैं। और सर की आर्टिस्टिक जर्नी को हमने देखा, बिल्कुल उनके बचपन से देखा, ग्रास रूट से उगते हुए देखा, उठते हुए देखा, और एक इनके इस जर्नी से एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत जितने यहाँ आर्टिस्ट हैं सभी को मिल रही है, और एक रोशनी मिल रही है। जो जैसा कि सर ने बताया कि वाटर कलर मीडियम किस तरह से बाकी मीडियम से ज़्यादा चैलेंजिंग है और किस तरह अलग है, और व्हाई डिड ही पिक इट ऑन फर्स्ट हैंड उन्होंने। सो सर के आर्ट में हमने देखा, आर्ट फॉर्म में जैसे स्लाइड शो चल रहा था तो हम धीरे धीरे उसमें कनेक्ट होते गए, उसकी गहराई से हम उससे जुड़ते गए। और जैसे नेक्स्ट स्लाइड चल रही है, और उनके साथ साथ हमने ट्रैवल किया, जितने प्लेसेस में उन्होंने ट्रैवल किया, जितने चाहे वो कोंकण हो, केरला हो, वेनिस हो, थाईलैंड हो, हम हर जगह वहाँ पहुँचे और हमने फील किया, उन वाइब्स को हमने फील किया। और सर की आर्ट में एक वैरायटी है, एक वास्टनेस है, एक विविधता है, एक रिचनेस है। ऑन द सेम टाइम उनकी आर्ट में एक सिंप्लिसिटी भी है, एक सादगी है, जो हमें ये एक प्रेरणा देते कि हम सादगी हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए, और ये उनका जो पर्सनैलिटी उसमें ये रिफ्लेक्ट होती है उनके आर्ट फॉर्म में। और जैसे कि सभी ने बताया कि ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में सर एक इंस्टीट्यूशन है, और आने वाली जनरेशन्स को वो इसी तरह मोटिवेट करते रहेंगे और हमें प्रेरणा वो आने वाले समय में देते रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ और इसी यूनिवर्स के साथ मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आज आपको हमने अपने बीच पाया, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू नीरज जी। थैंक यू एवरीवन। एंड सर लास्ट में अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहें हमारे कलात्मक सफरनामा के लिए तो प्लीज, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। हाँ, ये तो मेरा कंक्लूजन देना। सी देखो, there is a very different conclusion for everybody. I mean, तुम्हारे इसमें सीनियर काफी है, स्टूडेंट काफी है, तो स्टूडेंट को जब भी मैं एडवाइस देता हूँ तो जो वाटर कलर सीखने को आते हैं तो उसमें हॉबी पेंटर्स है और इनके जैसे प्रोफेशनल पेंटर्स भी है। तो मेरा एक एडवाइस तो हमेशा रहता है कि शट अप एंड पेंट। नहीं, आज काफी बातें कर रहा हूँ। शट अप एंड पेंट का मीनिंग ये है कि जब भी तुम पेंट करते हो तो पेंट करो, पेंट के बारे में बात मत करो। ओके, बट ऑब्वियसली व्हेन वी कम्युनिकेट वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो बस स्टूडेंट के लिए एक ही सजेशन है कि जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए काफी सारे दुनिया में उनको नाम करना है, मतलब दे हैव टू कॉम्पीट विद द वर्ल्ड, तो उसका प्रेशर आ जाता है। द बेस्ट वे टू डू विद दैट प्रेशर इज यू ट्राई टू बी वॉट एवर यू आर and try to excel in whatever you think you are, and फिर तो कामयाबी अपने आप आ जाएगी। अभी ये तो I mean these are very common things, सभी लोग बोलते हैं, वही मैं बोलता हूँ कि don't follow the trend, be a trend setter, मतलब just do what you do and you will become a trend setter। I mean that has been my experience. I never wanted to be a trend setter or something. मुझे जो अच्छा लगता था वो मैं करते गया और उससे वो ट्रेंड बन गया। I was fortunate. तो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करते जाओ, बस इतना ही एडवाइस है सभी स्टूडेंट के लिए, और क्या बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुरदीप सर। जी सर, जी सर। सर रविंद्र शर्मा सर भी हैं, अगर आप उनसे भी थोड़ा बोलने के लिए। चलिए रविंद्र शर्मा सर प्लीज, अगर आप कुछ बोलना चाहते प्लीज आप मंच पे आए। रविंद्र शर्मा सर को देखा था हमने ऐसे शुरू में ही। नमस्कार मिलिंद साहब, और आपके चाहने वालों को भी नमस्कार। मुझे आपके पास बैठ के आपकी जादूगिरी, आपकी साधना को देखने का सिकंदर ने मौका दिया था। मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे जॉन कॉन्स्टेबल, जो एक इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर थे, उनकी एक बात याद आती है। जो मैं अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कोई वाटर कलर के बहुत ही गहन सीक्रेट हो तो हमें बताएं, तो मुझे लगता है वो सीक्रेट आपके रंगों में है। जो कांस्टेबल ने भी एक बार कहा था कि यदि नेचर में जाना है तो विद हम्बल माइंड, एरोगेंस नेवर अलाउ टू सी द ब्यूटी इन नेचर। आप में जो ह्यूमिलिटी है, जब आप कैनवस पे देखते हो इतनी आंखें आपको वहां देखते हुए देखती हैं। मैं एम ही बैठा हूँ, हम नया गांव की भीड़ में लगभग 1.5 घंटा बैठे थे। इतने हॉर्न बजे होंगे कभी कोई महसूस नहीं हुआ, इतनी भीड़ होगी किसी को महसूस नहीं हुआ। मेरे साथ नक्श भी थे और सिकंदर भी थे, देखा होगा उन्होंने। ये आदमी की चेतना जब किसी मटेरियल को इस हद तक ट्रांसफॉर्म करके शुद्धता दे सकती है तो समय और स्थान बदल जाते हैं। आप में वो जादू है और हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारी धरती पे हैं और इसको स्वर्ग बनाए हुए हैं। आज आपके में काम देख रहा था, पानी में धूप का जो गर्मी है वो दिखाई नहीं देती, मुस्कुराती हुई छूने को दिल करता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। God bless you. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. मिलिंद सर, मैं अब हम आज के जो सेशन है सर जो बहुत उम्दा रहा सर, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। स्पेशली जो आपके सर वर्क्स में जो एक वेरिएशन थी, तो बहुत से लोगों ने आपके इस तरह से आपके काम को, जिस वेरिएशन में आपने काम किया है, जिन अलग अलग मुद्दों पर, विषयों पर जो आपने काम किया है, वो बहुत कम लोगों को देखने का शायद मौका मिला। लेकिन आज इस सेशन के थ्रू बहुत से लोगों के अभी मैसेजेस भी आए हैं कि एक इस सेशन में हमने वो पूरा कलात्मक जो सफ़र आपका रहा है उसे देखने का, उसे समझने का, उसे उससे रूबरू होने का उन्हें मौका मिला सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस मंच पे आने के लिए। माय प्लेजर बीइंग विद यू ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे पूरे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि आपकी ही सपोर्ट के साथ हम चल रहे हैं और इस तरह के जो प्रोग्राम है हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। इसी सपोर्ट के साथ आप हमारे साथ चलते रहें और इस तरह के प्रोग्राम आप भविष्य में भी देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मिनी मैम, थैंक यू रविंदर सर, नक्षदीप जी, सिकंदर जी, एवरीवन एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चलो बाय 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 सर।